हाई गाइस सो वेलकम टू द फर्स्ट बैच ऑफ कैट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ए क्लब ठीक है सो फास्टली join द सेशन गाइस ठीक है आज का session, ठीक है सो आज हमारा introduction session रहेगा ठीक है कि कैसे हम लोग इस batch को लेके चलने वाले हैं हम पूरा discussion करेंगे तीनों sections का quant का LR का VARC का ठीक है Exam का क्या syllabus है exam का क्या pattern है डिस्कस ऑल दीज थिंग्स एंड वॉट वी विल प्रोवाइड यू इन दिस बैच ठीक है हमें टेस्ट कहां से लगाने हैं हमें प्रैक्टिस कहां से करनी है हमें कुछ भी जो, जो डाउट्स आपके मन में है वो सारे के सारे डाउट्स मैं इस सेशन में लूंगा ताकि आज पहली ही क्लास में आप लोगों को इतनी क्लैरिटी हो जाए कि आपको कौन सी चीज कहां से मिलने वाली है ठीक है सो जल्दी से एक बार एक बार आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ क्या मैं ऑडिबल अच्छी तरह ऑडिबल विजिबल हूं ना ठीक है किसी को कोई देखने देखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना ठीक है चलिए सो लेट स्टार्ट द सेशन गाइस बेसिकली आज हमारा फर्स्ट सेशन है एकलव्य बैच का जैसे कि आप लोगों को पता था हम लोग एटीन अक्टूबर से इस बैच को स्टार्ट करने वाले थे ठीक है आज एटीन अक्टूबर है सबसे पहला डाउट जो बहुत सारे बच्चों ने मेल्स वेल्स में पूछा सर बैच का टाइमिंग क्या रहेगा सबसे पहला डाउट है टाइमिंग तो टाइमिंग हम लोगों का रहेगा सेवन पी एम टू नाइन पी एम सेवन पीएम टू नाइन पीएम इस बैच का टाइमिंग रहेगा ठीक है एंड क्योंकि इस टाइमिंग को इस तरह से बनाया गया है जैसे आप लोग अगर इस क्लास आ, मतलब कॉलेज स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो तो मोस्टली बच्चे इस टाइम पे फ्री रहते हैं ठीक है अभी जब तक हमारा कैट 2023 का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लोगों का ये टाइम रहेगा उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस टाइम को और लेट भी कर देंगे जैसे हम लोग इस टाइम को एट टू टेन भी कर सकते हैं और हम लोग नाइन टू इलेवन भी कर देंगे बट आपसे पहले पूछा जाएगा करा जाएगा बट जब तक हम लोगों का क्या ट्वेंटी ट्वेंटी हो जाता तब तक जो बैच का टाइमिंग है वो रहेगा सेवन पी एम टू नाइन पी एम ठीक है ये सबसे पहला पॉइंट है ठीक है अब सेकेंड पॉइंट क्या क्या इस बैच में होने वाला है और कौन कौन सी चीज आपको कहां से मिलेगी ठीक है तो वो भी जरा स्टार्ट करते हैं आपको पता है इस बैच में मैं पूरा का पूरा क्वांट कवर कराने वाला हूँ ठीक है मैं पूरा का पूरा जितना भी क्वांट का एक एक सिंगल टॉपिक आई विल कवर इन दिस बैच ठीक है एक एक सिंगल टॉपिक जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा क्वांट के मतलब क्वांट की मैं ये बात आपको बहुत ही मतलब आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं क्वांट की इतनी इनडेप्थ प्रिपरेशन आपको इंडिया में कोई नहीं कराएगा ठीक है इस चीज की मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को ठीक है क्वांट की इनडेप्थ इतनी प्रिपरेशन कोई नहीं करा सकता ठीक है आप लिटरली यू विल फील प्राउड कि यार क्या ही चीज हम लोगों ने पढ़ ली है ठीक है कितना सर ने हमें करा दिया है ठीक है तो मतलब यू विल डेफिनेटली फील प्राउड गाइस ठीक है और हो सकता है कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि पता नहीं यार फर्स्ट बैच है कैसे सर कराएंगे कितना कुछ कराएंगे कैसे होगी चीजें होगी ठीक है आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना वो सारे काम हमारे हैं ठीक है थीके? वो सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हमें कैसे कैसे चीजें मैनेज करनी है ठीक है नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है आप इन सेशन को हमारी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एमबीए पाठशाला पर भी देख सकते हो ठीक है और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना कुछ वहां पर कॉलेज रिलेटेड हम लोग कंटेंट अपलोड करते रहते हैं कौन से कॉलेज का कितना प्लेसमेंट रिपोर्ट है सारी चीजें ठीक है आगे बढ़ते हैं वन बाय वन सारी चीजें कवर करेंगे सबसे पहले व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अवर एमबीए पाठशाला ऐप जो हमारी एमबीए पाठशाला ऐप है उसके बेनिफिट्स क्या है आप कोर्सेज को एंड्रॉइड ऐप पर देख सकते हो आई ऐप पर देख सकते हो और अपने लैपटॉप पर भी देख सकते हो ठीक है लाइव क्लासेस होती हैं और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहती हैं क्लासेस रहती हैं हमारी डिजिटल बोर्ड से जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ हमारी सारी की सारी क्लासेस ऐसे होंगी वो वाला सिस्टम नहीं होगा कि लैपटॉप पे क्लासेस देख रहा हूँ बीच में छोटा सा फोटो आ रहा है टीचर का उसमें यार बहुत ज्यादा ना मतलब हम लोग भी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ठीक है बैठ के क्लास ले रहे हैं मुझे लगता है एक अच्छी कनेक्टिविटी के लिए बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड से क्लास लेते हैं तो बच्चा एक फील कर पाता है कि जैसे टीचर उसके सामने खड़ा होकर पढ़ा रहे जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता है ठीक है लिटरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट

स्ट्रक्चर्ड सारी क्लासेस होंगी क्लासेस के क्वेश्चंस की क्लासेस के नोट्स की पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे आप लोगों के डाउट्स को लेकर बच्चे के मन में बहुत ज्यादा डाउट रहता है डाउट्स कैसे होंगे ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ डाउट्स आप लोग हमें मेल कर सकते हैं ठीक है थीके? और हम हर एक टॉपिक के बाद उसका डाउट सेशन लेंगे आप क्लासेस को देखो लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हो लाइव क्लासेस को देखो मैं तो आपको बोलूंगा आप इनिशियली लाइव क्लासेस देखो उसके बाद आप लोग अगर रिकॉर्डिंग्स भी देख रहे हो ना तो रिकॉर्डिंग्स को ना ये नहीं की दस दिन पहले की रिकॉर्डिंग आज देख रहे हो तो एक रूटीन बनाओ अगर लाइव क्लासेस का आपको फिक्स रूटीन नहीं बन पा रहा है तो आप एक घंटे बाद या आज की क्लास कल सुबह तक देख लो कल शाम तक देख लो एक रूटीन आपका बनना चाहिए या वेट आ मिनट गैस सो ये सारे बेनिफिट्स आप लोगों को मिलने वाले हमारे ऐप के बेनिफिट्स थे अब ये जो कैट ट्वेंटी का एकलव्य बैच है ये आई थिंक आप लोगों ने पीडीएफ पढ़ा भी होगा ठीक है ये सब आप लोगों को पता है आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिकली मैं सीधा की फीचर्स की बात करता हूं इसमें की फीचर्स क्या होने वाले हैं इसमें जितना यहां पर लिखा गया है ना बच्चे यू विल गेट ऑल थिंग्स और ये बिल्कुल इनको मतलब क्वालिटी मेंटेन रहेगी इसमें मैं कोई भी काम अपनी लाइफ में कभी भी फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करता ठीक है और मेरा वही टारगेट है कि ये एक एक चीज बच्चे को क्वालिटी कंटेंट मिले ठीक है और मैंने पहले आते ही बोला यू विल फील प्राउड गाइस ठीक है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अवर सिलेबस तुमको गया मजा ही आ ठीक है? तो क्वांट में क्या कराया जाएगा पूरा आपको से ज़्यादा के एल आर डी एंड्रेड प्लस एलआर से वीआरसी में आपको थ्री हंड्रेड प्लस आरसी पैसेज और वीए के क्वेश्चन कराए जाएंगे के, करा के, के से डिफरेंट मतलब इनसे अलग होंगे थ्री हंड्रेड आरसी पैसेजेस तो है उसके अलावा वीए के क्वेश्चन भी होंगे एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल ट प्रोवाइड कॉम्प्रेल्प प्रैक्टिस है बहुत बार बच्चा क्या होता है ब, बच्चा डिमांड करता है सर बाकी कोचिंग्स वाले बुकलेट प्रोवाइड कर रहे हैं आप भी बुक्स प्रोवाइड करो तो आल्सो प्रोवाइड यू बुकलेट्स गाइस यू विल गेट इलेवन प्रिंटेड बुक्स फ्रॉम अवर साइड ठीक है बट ये इलेवन प्रिंटेड बुक्स आपको दिसंबर के एंड तक मिलेंगी अभी इनपे प्रॉपर काम चल रहा है ठीक है दिसंबर तक एंड तक आपको इलेवन प्रिंटेड बुक्स मिल जाएंगे सिलेबस मास्टरी मतलब पूरा सिलेबस बेसिक टू एडवांस लेवल तक कवर कराया जाएगा आप लोग को इनडेप्थ लाइव क्लासेज होती है मतलब कोई भी टॉपिक की फॉर्मेलिटी नहीं होगी ठीक है इनडेप्थ मतलब सिलेबस में बिल्कुल घुस के कि किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कैसे कैसे प्रीवियर में क्वेश्चन आए हैं ये सारी की सारी चीजें कवर होंगी इन डेप्थ क्लास का मतलब समझ रहे हो ना देखो ऐसे लोग भी हैं जो एक टॉपिक को चार घंटे में कवर कराते हैं ऐसे लोग भी हैं दो घंटे में कवर आते हैं और हम उनमें से हैं जो मतलब मुझे लगता है कोई टॉपिक ऐसा है ना तो मैं उसको बीस बीस घंटे भी पढ़ाता हूँ टाइम स्पेड डिस्टेंस करके एक टॉपिक है बहुत ही बड़ा टॉपिक है तो बीस पच्चीस घंटे लग जाते हैं कभी कभी इतने इनडेप्थ में चले जाते हैं हम लोग ताकि क्वेश्चन आएगा ना तो हंड्रेड करके ही आओगे एग्जाम में ठीक है तो अलग अलग टॉपिक की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है ठीक है बाकी जब आप पढ़ोगे आपको हंड्रेड वन परसेंट फील आएगा हमारा जो टारगेट है जो हम लोग कैट में क्वांट का सिलेबस कर रहे होंगे जैसे मैं आपको अभी ओवरव्यू दे देता हूं फिर क्वांट पे स्पेशली आएंगे ठीक है सेक्शनल सेक्शनल टेस्ट टेस्ट फुल लेंथ तो ये मिनिमम नंबर है, टेस्ट, मिनीमम है मिनीमम दस सेक्शनल टेस्ट तो मिलेंगे ही दस क्वांट के दस एलआर के दस वीआरसी के मिनिमम है हो सकता है पंद्रह मिले बीस मिले दस तो मिनिमम मिलेंगे मिलेंगे जो लिखा गया ना ये तो मिलेगा ही मिलेगा टोटल इस पूरे बैच में टोटल इस पूरे इकलव्य बैच में

जो लास्ट लाइन है वो लिटरली बड़ी इंपॉर्टेंट है नो नीड फॉर एक्स्ट्रा बी प्रोवाइड क्या बोला जा रहा है अब बच्चे प्रॉब्लम पता क्या है ये सब कहा मिलेगा कैसे मिलेगा बिल्कुल आप मेरी बात को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सुनो कोई डाउट होगा ही नहीं होगा आपको ठीक है बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से सुनना है तो यार दीज आर वाई एम बी ए पाठशाला आई थिंक आप लोग ऑलरेडी चूज करके आ चुके हो तो आपको पता होगा ये सारी चीजें यू विल गेट ठीक है एंड अभी हमारा ऑनलाइन बैच बैच स्टार्ट हुआ है ऑफलाइन हम लोगों का जनवरी मंथ में स्टार्ट होगा ठीक है तो इसके बारे में भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला पर अपडेट मिल जाएगा ठीक है आपको कभी भी कोई डाउट आ रहा है बच्चे आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है कैसे भी इशू फेस, फेस कर रहे हो आप लोग सिक्स थ्री नाइन सिक्स थ्री वन सिक्स थ्री सेवन डबल वन पर कॉल कर सकते हो हमें मेल भी डाल सकते हो इक्वारी एमबी पाठशाला एट द रेट जी डॉट कॉम सारी चीजें पता लग गई कोई दिक्कत फेस कर रहे हो तो क्या करना है क्या नहीं करना है अब देखो जब आप लोग इस सेशन को देख रहे हो स्पेशली जिन बच्चों ने ये कोर्स परचेज कर लिया है तो कोर्स परचेज करने के बाद आपने जब एकलव्य बैच को ओपन किया होगा वेबसाइट पर या ऐप पर ठीक है ऐप पर अगर आपने ओपन किया होगा तो आपको कुछ इस तरह से मैं दिखा देता हूं जरा ठीक है हाँ मैं आपको दिखा देता हूं आपको कुछ इस तरह से अच्छा इसमें मैंने स्क्रीनशॉट डाला नहीं है वो हाँ स्क्रीन शोट डाला नहीं है मैं फिर भी दिखा दे बता देता हूँ ठीक है कि कैसे क्या होगा ठीक है बता देता हूँ ऐप को जब आपने एक बैच को ओपन किया तो वहां पर लिखा हुआ रहा होगा ओवरव्यू लिखा आ रहा होगा ठीक है ओवरव्यू लिखा आ रहा होगा कंटेंट लिखा आ रहा होगा ठीक है और एक लाइव क्लासेस लिखा हुआ आ रहा होगा ठीक है एक पॉइंट और आ रहा होगा नोटिस बोर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा ये चार चीजें ऊपर लिखी हुई आ रही होंगी ऐप में तो ये जो कंटेंट वाला फोल्डर है ना इस कंटेंट वाले फोल्डर में आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी वो भले ही आपके सेक्शनल टेस्ट हो प्वाइंट के वीआरसी के एलआर के वो भले ही आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो वो यहीं पर मिलेंगे वो भले ही आपकी प्रैक्टिस शीट्स वो आपको यहीं पर मिलेंगी वो भले ही हम लोगों के क्लास नोट्स हो ठीक है वो सब आपको कंटेंट वाले फोल्डर में मिलेगा ठीक है दूसरी बात लाइव क्लासेस वाले फोल्डर में आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी जितनी भी लाइव क्लास होती है अगर आप बाई चांस किसी भी लाइव क्लास को नहीं देख पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग से आप उसको कवर कर सकते हो ठीक है नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में अगर हमारे एंड से कोई भी इंपोर्टेंट नोटिस आपको दिया जा रहा है तो नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में आपको वो मिल जाएगा ठीक है ओवरव्यू में तो पूरा बैच का ओवरव्यू होता है इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना जितना आपसे बोला गया है उतना आपको हंड्रेड वन परसेंट मिलेगा उसमें आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ चलते जाना है चलते जाना है पढ़ते जाना है पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है आपको बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं सोचनी कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा फोन करके पूछ रहे हो अरे मिलेगा 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 समय आने पर सब मिलेगा अभी आपको मतलब आ, मार्च से फेब्री एंड फेबर लास्ट वीक से आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे सेक्शनल टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे एक पूरा रूटीन बनेगा उसका कि कौन सा मॉक टेस्ट कब मिलेगा कौन सा सेक्शनल टेस्ट कब मिलेगा अभी तो दो तीन महीने आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है बच्चों के मन में डाउट आता है सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा हमारा हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा तो गाइस मैं आपको बता देता हूं सेवन टू एट मंथ्स में सेवन टू एट मंथ्स मतलब हमने जो आइडिया लगाया है जुलाई तक जुलाई एंड तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जुलाई तक और सिलेबस फॉर्मेलिटी के साथ नहीं पूरा किया जाएगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पूरा किया जाएगा और जुलाई तक आपका जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ताकि उसके बाद अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर आप लोगों के रिविजन और मॉक रिविजन और मॉक टेस्ट के लिए समय बच जाए आपके पास ठीक है सर हाउ टू एक्सेस इन पीसी बच्चे लॉग इन कर लो वेबसाइट पे जाके डब्ल्यू पे जाओ वहां पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा वहां लॉगिन करो आपको जाके आपका परचेज कोर्स दिख जाएगा वहां जाके आपको परचेज कोर्स वाला सेक्शन दिख जाएगा उसमें क्लास देख लो ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे क्लासेस का ठीक है ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आप लोगों को चलो अब देखो फोकस करते हैं कैट में जो हमारा ये बैच है कैट 2024 का अगर आपने कैट की प्रिपरेशन कर ली ना तो आप ये मान के चलो बाकी अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अलग से करने को आप लोगों को मतलब हो सकता है वो कुछ इश्यू हो अभी हम इस पर फोकस कर लेते हैं अभी आप देख रहे हो ना क्लास कैसे ना कैसे तो देख रहे हो होता है मतलब कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यार ठीक है आठ दस हजार लोग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं वेबसाइट पे इतने बच्चे आते हैं ठीक है तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए एरर हो बट अभी इस मेरी बातों को सुन लो ठीक है हाँ मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को कि सारी की सारी चीज कैसे मिलेंगे वो आपको पता लग गया ठीक है अब देखो पूरा फोकस करते हैं मतलब जो हमारा कैट का सिलेबस है ठीक है कैट का सिलेबस अगर आपने 101 परसेंट कवर कर लिया ना कैट का सिलेबस अगर आपने 101 परसेंट कवर कर लिया तो वो सिलेबस आप ये मान के चलो आपका मोर देन 70 परसेंट सिलेबस अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम जिनको हम लोग ओमेट्स बोलते हैं अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट ठीक है

तो आप ये मान के चलो आपने बाकी एग्जाम्स कर लिया क्योंकि है, तो इसके लिए तो चाहिए भाई ऐसे हवा में तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा ठीक है तो वो प्रिपरेशन कराने के लिए हम यहां पर है क्या क्या उसकी नीड है वो हमें पता है पिछले सात साल का एक्सपीरियंस है ठीक है इतने सारे बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया है ठीक है तो कुछ तो होगा ना मतलब अब मैं आपको दिखाता हूं एक चीज अच्छा आपको पैटर्न पता है क्या कैट का पैटर्न पता है अभी रिसेंट पैटर्न पैटर्न क्या क्या चल का क्या चल रहा रहा है है कैट एग्जाम का आपको पता है क्या देखो देर आर थ्री सेक्शन एग्जाम में सबसे पहला सेक्शन आता है वीएआरसी का वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीएंशन ठीक है फिर हमारे पास दूसरा सेक्शन आता है एलआरडी का लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन फिर तीसरा आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये देर आर थ्री सेक्शंस अभी हमारे पास तीन सेक्शंस हैं एग्जाम में 40 मिनट्स का टाइम मिलता है अपन को वीआरसी सेक्शन सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स का टाइम मिलता है एलआर को सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स का टाइम मिलता है कॉन्टीन्यूव एप्टीट्यूड को सॉल्व करने के लिए ये 2020 से है पैटर्न 40 मिनट्स का जो पैटर्न है ये फ्रॉम 2020 है उससे पहले एग्जाम हमारा थ्री आवर्स का होता था ठीक है जब कोविड आया तो हमारा एग्जाम टू आवर्स का होने शुरू हो गया ठीक है अब तक वही पैटर्न चल रहा है ठीक है हो सकता है दोबारा इसको थ्री आवर्स का कर दे पॉसिबिलिटी है वो कुछ भी कर सकते हैं पैटर्न के साथ वो छेड़खानी कर देते हैं बट के साथ वो भी नहीं करते, ठीक है फिर दूसरा आता है सर नंबर ऑफ क्वेश्चन का ठीक है दूसरा आता है नंबर ऑफ क्वेश्चन का तो मैं आपको बता दू ट्वेंटी फोर क्वेश्चन में आते हैं मतलब 2021 में 24 थे, 22 में 24 क्वेश्चंस आए हैं ठीक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आते हैं ठीक है ट्वेंटी फोर इन वीआरसी ये रिसेंट इयर्स का पैटर्न है लास्ट इयर्स का ठीक है ट्वेंटी क्वेश्चंस इन वीआरसी

वो हमारा स्पीड बेस्ड टेस्ट है ये पूरे एग्जाम्स दो तरह के हैं एक तो कैट और जेड आईएफटी भी अब कैट के थ्रू ही सिलेक्शन कराने पड़ रहे तो ये हमारे कैसे एग्जाम है ये हमारे कॉन्सेप्शल बेस्ड एग्जाम है ये हमारे कॉन्सेप्शल बेस्ड एग्जाम है इनमें कॉन्सेप्शल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स लाइक स्नैप एग्जाम्स लाइक एनमैट टेस्ट सी महाराष्ट्र सी ठीक है एस जीबीओ ठीक है सिंपल these, these सलोजिक अगर कोई कॉन्सेप्शियल बेस्ड एग्जाम है ना तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होंगे टाइम ज्यादा होगा मतलब आपके पास प्रोपरली टाइम ज्यादा होगा ये स्पीड बेस्ड टेस्ट है इनमें क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है यहां पर क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है ठीक है क्योंकि क्वेश्चन ही तो है जो एग्जाम्स के लेवल को बदलते हैं वो चीज क्वेश्चन ही तो है एट हम कितनी भी बातें सुन लें बट आप आज से मंथ मंथ आफ्टर आफ्टर आप क्या कर रहे एग्जाम हॉल में बैठे होंगे दो घंटे के लिए आपके सामने क्वेश्चन आएंगे एट द द एंड ऑफ डे करने तो क्वेश्चन ही सॉल्व है जब तक हमारा रिटर्न एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग कैसे इंटरव्यू कैसे हम आगे की तैयारी कर सकते हैं तो फर्स्ट स्टेज ही हमारा क्या है रिटर्न एग्जाम क्रैक करना और ये सबसे मतलब टफेस्ट थिंग है मैं, अगर मैं आपको बताऊं तो रिटर्न एग्जाम के बाद ही बाकी चीजें होंगी तो बाकी चीजों के बाद बारे में बाद में सोचना पहले रिटर्न एग्जाम को क्रैक करो हर सेक्शन के सिलेबस को जानो उसको क्रैक करने की स्ट्रैटेजी क्या है उसको जानो ऐसे नहीं होगा मतलब आप इसको लाइटली मत लेना आज से अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो मैं आपको लिख के दे सकता हूं अगर आप डेली क्लासेस के अलावा टू टू थ्री आवर्स की सेल्फ स्टडी करोगे क्लासेस के अलावा क्लासेस सब लोग देखेंगे सिलेबस सब लोग कंप्लीट करेंगे सब लोग क्या नहीं करते प्रैक्टिस नहीं करते खुद से प्रैक्टिस नहीं करते सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाते टॉपिक टेस्ट नहीं लगाते फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं लगाते जहां पर खुद से करना काम आ जाता है क्लासेस अटेंड करना लिटरली बड़ा इजी है मैं आप मेरे सामने खड़ा हूं आप क्लास अटेंड कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत कहां आती है जब टेस्ट की बारी आती है जब सेक्शनल टेस्ट आते हैं जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट आते हैं वो कम क्योंकि खुद से करना है वहां पर कंजूसी कर जाते हैं तो वो हमारे सिलेक्शन को रोकती है चीजें ठीक है ये चीज समझ में आ गई आपको एग्जाम्स दो तरह के हैं कॉन्सेप्शल बेस्ड एग्जाम इनका लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है

अभी वैसे सुन लो मेरी बात अब बाद में पूछना बोलो हैंड्रेज किया आपने बोलो यार क्या हुआ टेस्टिंग कर रहे हो क्या आपकी बोलो शुभम ये आपकी टेस्टिंग कर रहा है चलो यस अभी हैंड्रेज के रिक्वेस्ट मत करो गाइस ठीक है क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि अभी कोई डाउट होना चाहिए मैंने तो अभी कुछ बताया ही नहीं ऐसा मेरी जब तक पूरी बात नहीं सुनोगे तब तक डाउट ही आएंगे एक बार पूरी बात सुन लो प्लीज ठीक है अदरवाइज आते रहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं ठीक है मतलब मोटा मोटा ये मान लो हमारे पास वन थर्ड क्वेश्चन होंगे इंटीजर क्वेश्चन बाकी टू थर्ड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चार ऑप्शन होंगे हमें उन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही करना इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है क्वेश्चन होता है उसके नीचे एक इंटीजर आंसर होता है वो नहीं होगा लेटर्स की फॉर्म में नहीं होगा और टाइप करने के लिए आपके पास कीबोर्ड रहता है वहां पर ठीक है तो इंटीजर क्वेश्चंस कितने आते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन को हम शॉर्ट में टीटा क्वेश्चंस भी बोलते हैं ठीक है थीके? टाइप इन द आंसर बॉक्स ठीक है टाइप इन द आंसर दस टीटा क्वेश्चन इनका आंसर टाइप करना होता है आंसर आंसर बॉक्स बॉक्स में ठीक है है ये होता नीचे नीचे क्वेश्चन के इसमें क्वेश्चन होगा इंटीजर मार्क्स वाले जो टीटा क्वेश्चन हैं इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सबसे अच्छा फायदा है इनमें नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है आप तो क्या लगा के आ सकते हो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे बट एमसीक्यू क्यू क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है और वन थर्ड की नेगेटिव मार्किंग होती है यानी कि एक क्वेश्चन के अगर सही करने के थ्री मार्क्स मिल रहे हैं ना तो गलत करने का वन मार्क डिडक्ट हो जाएगा ठीक है गलत करने का वन मार्क डिडक्ट हो जाएगा गेटिंग पॉइंट ठीक है बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अब मैं आपको कैट 2022 देखो क्योंकि कैट 2023 तो अभी हुआ नहीं है कैट 2022 में कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आया था वो मैं आपको दिखाता हूं ठीक है कितने मार्क्स लाने पे ओवरऑल तीनों सेक्शंस के मिला के कितने मार्क्स लाने पे कितना परसेंटाइल आता है वो मैं आपको दिखाता हूं ठीक है ये रहा स्क्रीन पर देखो <laughs> 100 परसेंटाइल अगर लाना है आपको अगर आपको 100 परसेंटाइल लाना था कैट 2022 में तो आपके 198 में से 145 मार्क्स आने चाहिए थे आपका 100 परसेंटाइल आ जाता ठीक है अगर आपको 99.99 परसेंटाइल .99 लाना था कैट 2022 में तो आपको 198 में से सिर्फ 109.9 मार्क्स लाने थे ऑन एवरेज मान लो, ठीक ठीक है? है, है? ये बहुत लोगों का सपना होता है, अगर 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 मार्क्स मार्क्स लाने परसेंटाइल आपको लाना था, तो आपके आने चाहिए आउट ऑफ़ लॉजिकली मैं अगर मैं शुरू के दो रोज को हटा देता हूं ठीक है तो यहां से अगर मैं देख रहा हूं पिक्चर बड़ी क्लियर है 198 में से, 198, टोटल मेरे अगर इसका आधा मेरे अगर 99 मार्क्स भी आ जाते हैं ना जस्ट आधे ऑफ मतलब मैं 50 भी सही के आ जाता हूं ना, अगर मैं थर्टी थ्री सही करके आ, तो कर आ रहा हूँ और वो थर्टी के थर्टी थ्री ठीक है तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है ठीक है समझ में आ गए आपको मोटा मोटा कैलकुलेशन मैंने आपको बताया बाकी आज हमारा पहला दिन है जैसे 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 हम धीरे धीरे इस एनवायरमेंट में जाएंगे हमें बहुत सारी चीजें नहीं समझने के लिए मिलेंगी ठीक है चलो आपको यह समझ में आ गया, गया बाकी आप देख सकते हो ये इस क्लास का पीडीएफ भी मैं डलवा दूंगा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है ठीक है अब हम फोकस करेंगे क्वांट पर ठीक है मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया ठीक है अब हम फोकस करेंगे क्वांट पर यार आप लोग क्या कर रहे हो ये बताओ ना क्या कर रहे हो आप लोग मुकुल बताओ क्या हुआ यार मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं आप लोग हैंड्रेस क्यों की डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो ऐसा तो कुछ बताया नहीं मैंने अभी जो पूछना पड़ रहा है ठीक है यहां तक किसी को, को कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बताइए इस Is... देर नी प्रॉब्लम गाइज अब तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है अब हम सेक्शन कवर करेंगे क्वांट के बारे में मैं सारा सब कुछ बताऊंगा आपको ठीक है अरे भाई हैंड्रेज जिसने भी एक्सेप्ट किया है वो काट दो यार जिस बच्चे ने भी हेंड्रेज एक्सेप्ट किया है वो एक बार कट कर दो ठीक है बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही ना कोई बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही ना बच्चे चलो प्रिंटेड नोट्स आपके घर पे पहुंच जाएगा ठीक है प्रिंटेड नोट्स आपके घर पे पहुंचेगा आपको सिर्फ एक बार ये बैच परचेज करना है उसके बाद आपको कहीं पे से कहीं से भी कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट्स बुकलेट्स वी विल प्रोवाइड यू कुछ भी परचेज नहीं करना इसके बाद सारी टेंशन आपने हमें दे दी है ठीक है अब रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है गेटिंग पॉइंट या चलो आगे बढ़ते हैं गैस? हाँ, आगे बढ़ते बढ़ते हैं ठीक है हैं मोटा मोटा है समझ में आ गया नोट्स बुक सब कुछ सब कुछ ठीक है खुद देखो यार इतने मिनिमल प्राइस पे आपको मिलेगा ही नहीं ठीक है अभी मैं इस संडे को डेली गया था ठीक है तो दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट मतलब मैंने आ, मैं मतलब एस्पिरेंट मैंने चेक किया ठीक है एज अ एस्पिरेंट एस मैंने चेक किया और मैंने उनसे पूछा मैंने कहा कितना प्राइस, का प्राइस है मैंने कहा मुझे प्रिपरेशन करनी है मेरे भाई को प्रिपरेशन करनी है मैंने खुद की काउंसलिंग करवाई ठीक है तो पहली बात तो काउंसलर को पता ही नहीं है कि एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है ठीक है दूसरी चीज प्राइस पता क्या है आप खुद जाके देख लेना अगर आपके पास कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट होगा एट्टी थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड वन लैक दे और मैं मतलब आपको मतलब लिटरली बता सकता हूं जितना क्लासेस हम ले रहे हैं ना उसका वो वन थर्ड क्लासेस भी नहीं लेंगे ये है लिटरली मार्केट बहुत गंदा हो रखा है पता है हम एक मिनिमल कॉस्ट पे प्रिपेसन करा रहे हैं मतलब ग्यारह प्रिंटेड बुक्स को प्रिंट कराने में ही हमारे फिफ्टीन हंड्रेड टू थाउजेंड रुपीज लग जाएंगे फिर वो डिलीवरी करवाना है ठीक है हाँ। बहुत सारी चीजें हैं सेक्शनल टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना तो बहुत सारी चीजें आई थिंक आप समझ रहे होंगे नाउ अब मैं बात करता हूं क्वांट की ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया क्वांट में हमारे पास एग्जाम में सबसे लास्ट सेक्शन क्वांट आता है फोर्टी मिनट्स होते हैं सेक्शनल सेक्शन को चूज करने का सेक्शन को चूज करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता हमारी मजबूरी होती है हमें शुरू के फोर्टी मिनट्स वीआरसी पे ही लगाने हैं नेक्स्ट फोर्टी मिनट्स एल पे ही लगाने हैं और उससे नेक्स्ट फोर्टी मिनट्स क्वांट पे ही लगाने हैं ठीक है ये हमारी मजबूरी होती है सबसे लास्ट सेक्शन क्वांट का आता है उससे पहले हम लोग एट्टी मिनट्स बी और एल पे स्पेंड कर चुके होते हैं अब क्वांट में देखो क्या है देखो सबसे बेस जो होता है ना किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना हो तो उसका बेस क्या है किसी भी एग्जाम को चाहे वो कैट हो चाहे वो, वो बैंकिंग का एग्जाम हो चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो किसका कैसा भी एग्जाम हो बेस होता है उसका सिलेबस सबसे पहले हमें सिलेबस हम चाहते हैं कि किसी टॉप आई हो रहा में हो, आपका इंटरव्यू हो रहा हो तो उसके लिए आपको पहले कैट क्रैक करना पड़ेगा अब कैट में तीन सेक्शन है सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो टॉपिक टेस्ट लगाने पड़ेंगे सेक्शनल टेस्ट लगाने पड़ेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे बुक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गाइस आर लॉट ऑफ थिंग्स ठीक है तो वो सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी तो सबसे पहला हमारे पास क्या आता है सिलेबस अब क्वांट में जो हमारे देर आर फाइव सेक्शन बोलता हूं मैं ठीक है पहला सेक्शन हमारे पास अर्थमैटिक ठीक है दूसरा है एलजबरा तीसरा है ज्योमेट्री एंड मेन्सुरेशन चौथा है नंबर्स ठीक पांच है पांचवा है मॉडर्न मैथ्स आप बोलोगे सर आपने इनको इसी सीक्वेंस में क्यों लिखा है मैंने जो सीक्वेंस लिखी है वो वेटेज वाइज सीक्वेंस है सबसे ज्यादा के आते हैं फिर एल्जबरा के क्वेश्चन आते हैं फिर ज्योमेट्री मैं क्वेश्चन आते हैं फिर नंबर के फिर मॉडर्न मैथ्स के बट सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल चीज है जहां से आप अपने बेसिक्स कवर कर सकते हो आप एक पूरा एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हो ठीक है एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हो कि कितने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई तो नंबर्स आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है जो भी हमारे अर्ली बैचेज होते हैं जैसे एक बैच हमारा अर्ली बैच है अर्ली बैच मतलब हमारे पास सफिशियंट है तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा नंबर से मैं नंबर सिस्टम पढ़ाना आपको स्टार्ट करूंगा ताकि मैथ्स की एक एक बेसिक से बेसिक चीज आपको क्लियर हो आपको मैथ्स से इतना फैमिलियर करा दूंगा मैं आपको लगेगा यार अलग ही लेवल पे क्लैरिटी हो रही है ठीक है यस आई विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर्स ठीक है सबसे पहले हम नंबर्स पढ़ेंगे देखो ये वेटेज मार्क्स का है नंबर सिस्टम हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जो अर्थमेटिक में भी यूज होता है एल्ज्रा में भी यूज होता है मॉडर्न मैथ्स में भी यूज होता है ज्योमेट्री में भी यूज होता है तो नंबर सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ क्वांट क्वांट ये quant है ना पूरा का पूरा 40 मिनट्स मिलेंगे 22 आएंगे उस पूरे का जो बैकबोन है वो नंबर सिस्टम है नंबर सिस्टम से वो हर टॉपिक में यूज होता है हर टॉपिक में वो कोई भी टॉपिक हो किसी से भी पूछ लेना और आप नंबर सिस्टम हर टॉपिक में यूज होगा तो मैं सबसे पहले जो मेरा सबसे पहला बैच आता है क्या ट्वेंटी फोर सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करता हूं क्योंकि हमारे पास टाइम है हम बिल्कुल शिद्दत से पढ़ेंगे तो number मतलब ये होगा फिर दूसरे नंबर पर अर्थमेटिक होगा तीसरे नंबर पर एलजेबरा होगा चौथे नंबर पर ज्योमेट्री मैं पांचवे नंबर पर मॉडर्न मैथ्स होगा मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूं ठीक है मतलब दिसंबर तक आ, ये हमारा चलेगा दिसंबर uh, तक हमारा ये खत्म हो जाएगा ठीक है क्योंकि स्टार्टिंग में ना हम कुछ क्लासेस वैदिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के शॉर्टकट्स की भी लेंगे ठीक है अभी दो तीन तीन क्लासेस के बाद हम लोग नंबर स्टार्ट start करेंगे स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ठीक है कैलकुलेशन शॉर्टकट्स हैं कुछ ठीक है वो सारी चीजें हम स्टार्टिंग में कवर कर लेंगे फिर हम लोग नंबर स्टार्ट करेंगे ठीक है तो दिसंबर तक हमारा हंड्रेड वन परसेंट कवर हो जाएगा फिर हम अर्थमेटिक कवर करेंगे ठीक है मार्च एंड तक हमारा ये हो जाएगा फिर हमारा मे एंड तक एलजबरा हो जाएगा फिर जून में हमारा ये हो जाएगा ठीक है जुलाई में हमारा मॉडर्न मैथ्स हो जाएगा दिस इज वी हैव कैसे कैसे होगा ठीक है स्टार्टिंग में ये होगा फिर लगभग सिक्सटी डेज इसमें लगेंगे थर्टी डेज इसमें लगेंगे थर्टी डेज इसमें लगेंगे सो so ये पूरा सीक्वेंस रहेगा ऐसे मैंने सीक्वेंस बता दिया आपको अर्थमेटिक क्या होता है सर अर्थमेटिक में कौन से टॉपिक्स आते हैं टॉपिक्स लाइक रेशियो प्रपोशन परसेंटेजेस प्रॉफिट लॉस एवरेजेस मिक्सचर एलिगेशन टाइम स्पीड टाइम एंड वर्क सर नंबर्स आपने लिखा है नंबर्स में क्या पढ़ाओगे नंबर्स का पूरा ट्री बताऊंगा फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा आप लोगों को ठीक है एच सी एफ एल फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस रिमाइंडर्स के बारे में बताऊंगा आपको बेस सिस्टम बताऊंगा वी विल कवर ऑल दीज थिंग नंबर इज द बैकबोन ऑफ क्वाइंट हर टॉपिक में यूज होता है नंबर तो किसी को भी ऐसा लगता है ना उसका प्वांट बहुत वीक है उसको बहुत अच्छा वो बनाना है ठीक है I'm, बादल दिस इज माई प्रॉब्लम नाउ ठीक है ये मेरा प्रॉब्लम है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप आ गए हो हो आपने एक बैच ले लिया अब वो मेरा प्रॉब्लम गया डोंट वरी ठीक है फिर आगे एक बार मैं आपको प्रीवियसर का एनालिसिस भी बता देता हूं सिर्फ क्वांट का है ठीक है ओवरऑल एनालिसिस तो मैंने बता दिया अब मैं आपको प्रीवियसर का वैसे भी एनालिसिस बता देता हूं ये हमारा क्वांट का है ठीक है अगर आपको क्वांट में अगर आपको क्वांट में मान लो एट्टी परसेंटाइल लाना है नाइनटी परसेंटाइल लाना है परसेंटाइल लाना है तो हंड्रेड परसेंटाइल लाने के लिए आपको फिफ्टी सेवन स्कोर करना था एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है थ्री मार्क्स का होता है ये yes. हां पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आप लोग सही करोगे एक क्वेश्चन थ्री मार्क्स का होगा तो आप हंड्रेड परसेंटाइल मार्क्स आएंगे आपके हंड्रेड परसेंटाइल दिस इज नॉट परसेंटेज ठीक है अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना था कैट 2022 की बात कर रहा हूं मैं जो हमारा लास्ट अभी एग्जाम हुआ है आपको 33 मार्क्स लाने थे यानी कि 11 क्वेश्चन सही करते हर एक क्वेश्चन तीन मार्क्स का होता है तो आपका 99 परसेंटाइल आ जाता अगर आप 22 मार्क्स ट्वेंटी टू मार्क्स लियांटी फाइव परसेंटाइल आ जाता सेवनटीन मार्क्स ले आते तो नाइनटी परसेंट आ जाता अब आप खुद देखो ट्वेंटी टू एग्जाम में आए थे हर एक क्वेश्चन थ्री मार्क्स का था तो टोटल कितना बना सिक्सटी मार्क्स 66 मार्क्स में से अगर आप 57 मार्क्स ले आते हो तो आपका 100 परसेंट आई ठीक है फिर 66 में से अगर आप 33 जस्ट आधे मार्क्स ले आते हो जस्ट आधे 99 परसेंट कैट क्या तो है ही सिर्फ आधे मार्क्स का अगर आपने 66 क्वेश्चंस में से 33 क्वेश्चंस भी 100 परसेंट से सॉल्व कर लिए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है सिर्फ फिफ्टी ट एक ऐसा एग्जाम है यहां पर क्वेश्चन करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन छोड़ना था हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करके आने होते एग्जाम में आप देख भी लो अगर आपको 99 लाना है तो आपको 66 में से 33 मार्क्स लाने हैं 33 थ्री इज जस्ट हाफ ऑफ सिक्स यानी कि फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन करके मेरे उतने मार्क्स आ जाएंगे क्लियर है बात <coughs> यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई क्या जरा मुझे बताओ ये yes. इज इट क्लियर टू एवरी और बाकी ऐसी तो सेवेंटी मार्क्स पाया जाएगा सो दिस कंप्लीट थिंग ठीक है बारे में थी ये सिर्फ दिस इज ओनली फॉर क्वांट को शॉर्ट में क्यू ए बोलता है ये जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था यहां पर ही मैंने ओवरऑल एनालिसिस दिया था ओवरऑल आपको अगर हंड्रेड परसेंटाइज लाना है तो आपको वन फोर्टी मार्क्स आने पड़ेगा एट ठीक है यहां तक की है क्लियर है आप लोगों को ठीक है हाँ, वेबसाइट वगैरह चेक कर सकते हो वैसे वेबसाइट पे हम लोगों ने स्कैट का सिलेबस डाला हुआ है बिल्कुल सही बात है ठीक है एमबीए पाठशाला सर आप जब बुक्स डिलीवर करोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लोगे क्या नहीं 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 नहीं, नहीं, मतलब ये क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए माधव ठीक है एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं लगेगा आप लोगों का लिटरली बहुत बेनिफिट है जिन बच्चों ने जो बच्चे इसको अभी परचेज कर लेंगे ना एट्टीन अक्टूबर तक उनका बेनिफिट बहुत है फोर्टीन थाउजेंड कैट की प्रिपरेशन कोई करा नहीं सकता इस क्वालिटी के साथ ठीक है हमारी हमेशा एक स्कीम रहती है ठीक है बैच स्टार्ट होने से पहले थर्टी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ट्वेंटी थाउजेंड का बैच आपको सिर्फ फोर्टीन थाउजेंड में थिंग्स जैसे आज बैच स्टार्ट हो गया ना आज रात बारह बजे के बाद ही इसका प्राइस कितना हो जाएगा एटीन थाउजेंड हो जाएगा बस तो सिर्फ आपको फिर टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ठीक है कोई पैसा नहीं देना आपको अब ठीक है अब आप जितना पैसा पे करना था कर चुके हो अब आप सीधा नेक्स्ट ईयर फॉर्म फिल करते टाइम पैसा देना कैट वालों को ठीक है जब आप कैट का फॉर्म फिल करोगे ठीक है अब प्रिपेशन का आप, आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया अब आपको एक सिंगल पेनी भी इन्वेस्ट नहीं करना है कहीं पर ठीक है हाँ एड्रेस एड्रेस जब बुक्स डिलीवर हो जाएंगी जब हमारी बुक्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगे हम लोग डिलीवर कर रहे होंगे तो हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी ठीक है हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी ठीक है आपसे आपका फुल एड्रेस मांगा जाएगा आपको बोला जाएगा कि आप इस मेल आईडी पे अपना एड्रेस मेल कर दो जो आप हमें एड्रेस मेल करोगे उसी एड्रेस पर आपकी बुक्स डिलीवर की जाएंगी पॉइंट ठीक yes, है है यस ये हा मैं ये भी क्लियर कर देता हूं क्योंकि अभी हमें बुक्स भेजनी है आपसे से दो महीने बाद दिसंबर के एंड में हम लोग बुक्स भेजेंगे तो तभी हम एड्रेस लेंगे ठीक है चलिए क्वांट को लेके क्लैरिटी हो गई ठीक है मतलब बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है सारे के सारे सारा का सारा सिलेबस कराना सब कुछ कवर कराना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब वो मेरी रेस्पॉसिबिलिटी हो गई है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी थी आपको यहां तक आना था क्लियर है ना ये बात ठीक है किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो पॉइंट को लेके ऐप अपडेट कर लेना इट्स नॉट अ बिग डील यार आ जाएगा अभी हेंड्रेज वैसे मैंने बंद किया हुआ है अभी हेंड्रेज ऑप्शन मैंने बंद कर दिया था बच्चे क्योंकि डिस्टर्ब कर रहे थे मेरे को ठीक है अब देखो मैंने आपको बता दिया हमारा क्या होगा जब तक हमारा कैट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मतलब मैं आपको बता देता हूं नवंबर के एंड तक नवंबर एंड तक हम लोगों की स्पीड थोड़ा स्लो रहेगी नवंबर एंड तक हमारी स्पीड रहेगी स्लो हम बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे होंगे ठीक है स्पीड स्लो स्पीड रहेगी सर इस स्लो स्पीड में आप क्या कराओगे मैं आपके क्वांट के फंडामेंटल्स प्रूव कराऊंगा नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे ठीक है स्पीड स्लो का मतलब है आपका सिर्फ एक सेशन होगा वन सेशन पर डे ठीक है वन सेशन पर डे ठीक है मतलब आपके वीकली कितने सेशन बन से रहे हैं भी? अभी आपके वीकली कितने सेशंस बन, बन रहे हैं छ सेशंस बन रहे हैं ठीक है ये कब तक है नवंबर एंड तक जब तक हमारा कैट 2023 का एग्जाम ओवर नहीं हो जाता जैसे ही हम लोगों का कैट 2023 का एग्जाम खत्म हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपके जो वीकली रहेंगे अभी सिक्स सेशन हो रहे हैं वीकली फ्रॉम दिसंबर ठीक है फ्रॉम दिसंबर फ्रॉम दिसंबर आपके जो सेशंस रहेंगे वो रहेंगे टेन टू ट्वेल्व सेशन पर वीक टेन टू ट्वेल्व सेशन पर वीक ठीक है ये दिसंबर से रहेगा दिसंबर में आपके टेन टू ट्वेल्व सेशन पर वीक रहेंगे अभी आपका कितना चल रहा है वन पर पर डे चलेगा यानी कि सिक्स उसके बाद आपके टू सेशन वीक हो जाएंगे हम स्पीड बढ़ा देंगे अपनी थी. ठीक है जब तक स्पीड नहीं बढ़ेगी ना सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ठीक है मतलब वीक में आपके फोर टू फाइव फोर क्लासेस क्वांट की हो गई थ्री टू फोर क्लासेस एल की हो गई टू टू थ्री क्लासेस वीआरसी की हो गई क्योंकि क्वांट को कंप्लीट क्वांट और एल को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगता है ठीक है ठीक है हाँ पीसी में देखो जो हमारी एप्लीकेशन है वो आप मतलब पूरा जो क्लास को एक्सेस कर सकते हो ना ठीक है अभी क्लासेस का ड्यूरेशन होगा 190 टू 120 मिनट्स सिद्धि पाटिल अभी जो क्लासेस का ड्यूरेशन होगा वो 90 टू 120 मिनट्स होगा ठीक है और जब हमारी क्लासेस बढ़ जाएंगी तब भी हमारा ड्यूरेशन इतना ही रहेगा नाइनटी मिनट्स के दो सेशन होंगे ठीक है तो आई थिंक वन आवर थर्टी मिनट्स का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो एक आइडियल ड्यूरेशन है 90 to 100 minutes तक बच्चा के के साथ पढ़ सकता है चीजें लेने के लिए चार घंटे के लिए लो बट concentration नहीं बन पाएगा ना फायदा नहीं है कुछ ठीक है ये planning इस तरह से की गई है सारी चीजों की जैसे आपका जुलाई मिड तक जुलाई एंड तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए वी लिटरली वांट कि आप लोगों को अगस्त सितंबर अक्टूबर में सिर्फ मॉक टेस्ट पे फोकस करना पड़े और रिवीजन पे फोकस करना पड़े आप क्लास को एक टाइम पे एक ही डिवाइस में देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल करेंटली आप मोबाइल से क्लास देख रहे हो तो आप इसको लॉग आउट करो फिर वेबसाइट पे लॉग इन करो तब आप वेबसाइट पे देख पाओगे वेबसाइट पे जब आप लोग देखोगे तो आपको जब आप एकलव्य बैच को ओपन करोगे तब आपके पास वहां पे पेज ओपन करके नीचे आ रहा होगा ज्वाइन नाउ का ऑप्शन या राइट हैंड साइड पे जो स्क्रीन होती है वहां पर आ रहा होगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑप्शन ना आ रहा हो ठीक है ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को ठीक है चलो बाकी अरे यार क्या चाहते हो हेंड्रेस करके बताओ ना और ये पता नहीं माइक के बाद खुद से कैसे बढ़ जाती है बार बार बोलो क्या हुआ आई एम अनेबल टू फाइंड एमबी आई डाउनलोड देवाशीष यू कैन ड्रॉप अस मेल एट इंक्वा एमबीए पाठशाला इंक्वाइरी एम बी ए पाठशाला एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर आप मेल भेज दो वो आपको कंप्लीट स्टेप्स बता देंगे आईय के ठीक है आईयूएस पे आपको ऐप आप कैसे चलाना है ठीक है अदरवाइज आप पीसी में चला सकते हो वैसे आईय का ऐप है ठीक है वो आपको कंप्लीट स्टेप्स बता देंगे कब भेजा था आपने कब भेजा था मेल कब भेजा था आपने जो हमारी रिप्लाई करने वाली टीम है ठीक है तो वो ट्वेंटी फोर आवर्स ले लेती ले है ट्वेंटी फोर टू फोर्टी आवर्स लग जाते हैं अगर आपने कल ही भेजा शायद ना आया हो सर प्लीज शेड्यूल क्लासेज आफ्टर सिक्स नंबर ऑफ सेशन इंग्लिस प्रोफेशन एंड स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन क्लास शिवा कुमार मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्लासेज का टाइमिंग क्या रहेगा क्लासेज आपकी सेवन पीएम से होंगी या सेवन पी के बाद होंगी सेवन पीएम से होंगे सेवन पीएम के बाद होंगी नो नीड टू वरी गाइस ठीक है मैंने बता दिया है देखो ये देखो ऐसा तो नहीं है ना हम दिन में एक क्लास भी रख सकते हैं अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमें सिलेबस जुलाई तक कंप्लीट करना है तो कैसे होगा पढ़ाने से होगा ना क्लासेज की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी

तो मुझे लगता है जितना भी अपडेट था बाकी जब मैं आपको मतलब देखो यार मैं आपको बता देता हूं जब मैं अर्थमेटिक कवर कर रहा हूं, मतलब जो पूरे सेक्शन है क्वांट मतलब के सारे टॉपिक्स मिला लो अर्थमेटिक के नंबर सिस्टम मॉडर्न मैथ ज्योमेट्री मैथ सब मिला लो ठीक है तो टोटल मिला के हमारे पास लगभग लगभग थर्टी टॉपिक्स बन जाते हैं ऑन एन एवरेज हर टॉपिक के मैं आप लोगों को टू सेवन क्वेश्चन कराऊंगा ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज में हर टॉपिक के आपको 70 में ही सॉल्व कराऊंगा क्लास में ही प्रैक्टिस जिसमें पचास क्वेश्चन प्रैक्टिस में रहेंगे हर टॉपिक के फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन रहेंगे शीट में और जो आपके पास बुकलेट्स लगभग हंड्रेड टू वन फिफ्टी क्वेश्चन पर टॉपिक हंड्रेड टू वन फिफ्टी क्वेश्चन पर टॉपिक आपकी बुक में रहेंगे हंड्रेड टू वन फिफ्टी क्वेश्चन आपकी बुक में रहेंगे ठीक है थर्टी टॉपिक्स हैं लगभग हर टॉपिक की सेवेंटी क्वेश्चन में, में कराऊंगा इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना डेफिनेटली ट्वेंटी फाइव हंड्रेड के नियरेस्ट आ रहा होगा ठीक है फिफ्टी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट में दिए जाएंगे हर टॉपिक की जो प्रैक्टिस शीट होगी ये एक अप्रोक्स नंबर है बड़ा टॉपिक होगा तो प्रैक्टिस शीट ज्यादा होगी छोटा टॉपिक होगा तो प्रैक्टिस शीट कम क्वेश्चन की होगी अब कोई छोटा टॉपिक है तो हो सकता है उसके फोर्टी क्वेश्चन ही दू कोई बड़ा टॉपिक है तो उसके एट्टी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा फिर जो आपकी बुक्स होंगी जो बुकलेट्स आपको दिसंबर एंड तक मिलेंगी उसमें हंड्रेड टू वन फिफ्टी क्वेश्चन हर हरे टॉपिक के होंगे ठीक है बिल्कुल होगा ठीक है और मैं आपको एक आइडिया भी दे देता हूं जब हम लोग नंबर सिस्टम कवर कर रहे होंगे जब हम लोग नंबर पढ़ रहे होंगे जैसे हमारा पहला टॉपिक नंबर है नंबर्स से पहले हम लोग दो तीन क्लासेस लेंगे अपनी कैलकुलेशन शॉर्टकट्स की और वैदिक मैथमेटिक्स की ठीक है नंबर्स को कवर कराने में आई विल टेक फिफ्टी टू आवर्स सिक्सटीर्स मेरे को इतना टाइम लगेगा फिफ्टी टू आवर्स का मिनिमम टाइम होगा ठीक है नेक्स्ट जब मैं आपको अर्थमेटिका रहा हूंगा जब मैं आपको अर्थमेटिकलजेब्रा करा रहा तो 80 90 80 90 ये है. फिर जब मैं आपको एल्जेब्रा कराऊंगा अगेन आई नीड 80 टू 90 आवर्स ये पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं ठीक है तीसरा हमारा ज्योमेट्री मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है इसको कराने के लिए आई नीड मिनिमम 60 hours, को 60 hours चाहिए। फिर तीसरा हमारे पास आ जाता है मॉडर्न मैथ्स आई नीड मिनिमम एड करो आप इनको एड कर, कर लो ये हमारा लगभग थ्री हंड्रेड आर्स का वो बन गया मतलब मिनिमम क्वांट क्वांट को कवर करने में हमारे थ्री हंड्रेड साल लग जाएंगे मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको इतने डिटेल में मैं सिलेबस कवर कराऊंगा आपको ठीक है नहीं कराते हैं लोग इतना नहीं पढ़ाना चाहते हैं क्वालिटी के साथ

बुक आने से पहले नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा यस प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी ठीक है प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी आपको तनिष्क तो ये था सारा का सारा क्वांट का बाकी आपकी जो क्लासेस का रूटीन अच्छा ये देखो इस तरह से आता है मैं आपको बता देता हूं ठीक है ये हमारी ऐप में देखो चार चीजें हैं होम स्क्रीन है स्टोर है चैट है प्रोफाइल है चैट में आपका एक ग्रुप बन गया होगा एकलव्य बैच का प्रोफाइल में आप अपनी प्रोफाइल एडिट वेडिट कर सकते हो स्टोर वाले सेक्शन को अगर आप ओपन करोगे तो यहां पर आपके सबसे ऊपर परचेस कोर्सेज आ जाएंगे ठीक है वहां पर आप परचेस कोर्स मेंचेस किया उसको रिकॉर्डिंग मिलेगी कंटेंट वाले फोल्डर में आपको प्रैक्टिस शीट्स वगैरह के फोल्डर्स बन जाएंगे क्वांट के एल के वीआरसी के तीन फोल्डर्स बन जाएंगे क्वांट वाले फोल्डर में क्वांट की प्रैक्टिस शीट एल वाले फोल्डर में एलआईडी की प्रैक्टिस शीट्स ठीक है ठीक है डेली हाँ, टास्क वगैरह बिल्कुल मिलेगा ठीक है अभी हम लोग क्या कर रहे हैं एक टेलीग्राम चैनल भी बना रहे हैं ठीक है हम लोग एक टेलीग्राम चैनल भी बना रहे हैं सर डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं लेक्चर को आप ऐप में ही डाउनलोड कर सकते हो आप ऐप में ही डाउनलोड कर सकते हो लेक्चर्स को और अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपना अगर आपके पास इंटरनेट भी नहीं है तो आप तब भी देख सकते हो अगर वो लेक्चर डाउनलोडेड है ठीक है अगर वो लेक्चर डाउनलोडेड है तो आप ट्रैवल करो बट आप डाउनलोड करके रख उसको ऐप में ही सकते हो बाहर आपके मेमोरी में डाउनलोड नहीं होगा वो क्लासेस को आप कितनी बार भी देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सो क्वांट के बारे में आई थिंक आपको क्लियर हो गए गई छोटे छोटे डाउट्स आपके और बचे होंगे अब एल और वीआरसी को लेके ठीक है छोटे छोटे डाउट्स आपके और बचे होंगे अभी एलआरडीआई और वीआरसी को लेके तो एलआर देखो ये फोल्डर बन जाते हैं जैसे यहां पर एकलव्य बैच लिखा हुआ आ जाएगा एकलव्य बैच का ओवरव्यू कंटेंट लाइव क्लास नोटिस बोर्ड नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में आज आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वो टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन कर लेना ठीक है हाँ उसमें सिर्फ पेड वाले बच्चे होंगे और कोई बच्चे नहीं होंगे लाइव क्लासेस वाले फोल्डर में लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी कंटेंट वाले में सारी प्रैक्टिस पीडीएफ वगैरह क्लास नोट वगैरह मिलेंगे ठीक है सो ये तो था क्वांट के बारे में अब ऐसे ही आप लोगों का एल का डिस्कशन करेंगे एल आई डी ए का डिस्कशन अभी सागर सर करेंगे ठीक है हाँ और फिर ऐसे ही वीआरसी का सुमन मैम करेंगी तो सागर सर एल आई डी ए का पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे अभी कोई भी दिक्कत आपको और भी दिक्कत है आप उनसे भी डाउट पूछ सकते हो ठीक है या हाँ बाकी यार देखो हम आप हम, हमने आपको नंबर दे रखा है अपना ठीक है ऐसा नहीं है कि हम लोग अवेलेबल नहीं रहते आप हमें इलेवन एएम से लेके सेवन पी एम के बीच में कॉल भी कर सकते हो हमारा जो नंबर है वो सिक्स थ्री नाइन सिक्स है सिक्स थ्री नाइन सिक्स वन सिक्स थ्री सेवन डबल वन कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे बोलोगे मुझे सर से बात करनी है मिस से बात करा देंगे सागर सर से बात करनी है उनसे बात हो जाएगी सुमन से बात करनी है उनसे बात हो जाएगी ठीक है कोई भी आपको दिक्कत आती है कभी अब सागर सर आपके साथ पूरा एल आर डी ए का स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग हाउ आर यू गाइस डूइंग 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 सर कैट के स्कोर से कॉलेज मिला सकता है अगर टेंथ ट्वेल्थ में अच्छा नहीं हो तो बिल्कुल मिल सकता है बिल्कुल मिल सकता hello, hello. What's What's है सब बताऊंगा सब बताऊंगा सब बताऊंगा सब बताऊंगा बाबू शांत रहिए है ना सागर है तो क्या गम है कोई दिक्कत तो है ही नहीं चलिए सारे आंसर्स मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ दिस सेशन सारे आंसर्स मिल जाएंगे ठीक है है ना सेशन के एंड तक सब पता चल जाएगा कितने मार्क्स पे कितनी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है कहाँ मिल सकता है कौन सी आई में मिल सकता है कहाँ नहीं मिल सकता है सब सवालों का जवाब है बाबा सागर के पास है ना तो बोलो बाबा सागर की जय चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है वेरी गुड इवनिंग सो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एल का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे एंड कैट 2024 की आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे है कि नहीं ठीक है कि नहीं वैसे मैंने एक वीडियो बना के एकलोवे बैच में ऑलरेडी डाला हुआ है youtube पे भी डाला हुआ है cat 2024 रोड मैप फॉर अपकमिंग 1 ईयर है ना तो आप वो भी देख लेना ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी उसके अंदर है ना यस वेरी गुड वेरी गुड पुश लाइक इट ठीक है चलिए तो सबसे सब पहले डिस्कस करते हैं कि भाई एलआरडीआई का सिलेबस क्या होता है है ना

बोलो कैसे है ना कैसे बचपन से करते आ रहे हैं बचपन से करते आ रहे हैं है ना अगर हमारे घर में दो भाई बहन है ठीक है मम्मी आपने उसको टॉफी दिलाई मेरे को नहीं दिलाई हुआ है ना लॉजिकल रीजनिंग टॉफी टॉफी लेने का दिमाग लगाया हमने लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई हो गई है ना स्कूल में हम लोग बैठते हैं ठीक है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है मैं इसके पास ही बैठूंगा लीनियर अरेन्जमेंट है ना अरेन्जमेंट्स क्या होता है दस लोग बैठे हैं एक दो तीन चार पांच छह ऐसे दस लोग बैठे हैं ए बैठा है उसके बगल में बी बैठा है उसके बगल में सी बैठा है उसके बगल में डी बैठा है तो इस तरह से होते हैं अरेंजमेंट्स अब अरेंजमेंट्स कैन बी अगर एक लाइन में है तो उनको बोलेंगे लीनियर सर्कुलर में है तो उसको बोलेंगे सर्कुलर अरेन्जमेंट्स है ना यहाँ ए बैठा है यहाँ बी बैठा है यहाँ सी है यहाँ डी है समझ आ रही है बात को है ना तो लॉजिकल रीजनिंग अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके करेंगे थोड़ा सा मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ में में तो अगर थोड़ा सा रिलेट करके हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे तो एक थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होगा कि भाई लॉजिकल रीजनिंग का सेट करने का प्रोसेस ये है, है ना लॉजिकल रीजनिंग का सेट करने का प्रोसेस ये है एक थॉट प्रोसेस डेवलप होना चालू हो जाएगा वहां से दिस दिस ठीक है चलिए तो हम लोग अब ये तो बातें हो गई करने की थोड़ा सा आपका मूड बनाने की बात थी है ना अब एक्चुअल में देखते हैं कि भाई एक्चुअल में लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस कितना होता है ठीक है चलिए तो सबसे पहले मैंने बताया अरेंजमेंट अरेन्जमेंट दो तरह के होते हैं एक हो गया लीनियर है ना एक हो गया लीनियर एक हो गया सर्कुलर ठीक है कि नहीं रैंकिंग रैंकिंग मतलब क्या कि क्लास में दस लोग हैं मुझे उन दस लोगों की रैंकिंग देनी है इन थ्री सब्जेक्ट मैथमेटिक्स साइंस एंड केमिस्ट्री या वगैरह वगैरह जो भी है है ना या फिर हाइट वाइज उनको रैंकिंग देनी है वेट वाइज रैंकिंग देनी है प्रॉफिट वाइज रैंक देनी है है ना रैंकिंग देनी है, देनी है वन टू थ्री फोर फाइव फा, सिक्स तो ये सारा कवर करा जाएगा रैंकिंग के अंदर टीम फॉर्मेशन नाम से समझ में आ रहा है टीम फॉर्मेशन है ना कि भाई अगर मुझे इंडिया की टीम बनानी है वर्ल्ड कप के लिए तो ग्यारह लोगों की टीम बनानी है सिलेक्ट कितने करने हैं में से ग्यारह सेलेक्ट करने हैं अब उसमें से एक विकेट कीपर चाहिए मुझे चार बोलर चाहिए मुझे दो ऑलराउंडर चाहिए पांच बैट्समैन चाहिए इस तरह से सिलेक्शन होता है तो उसके क्राइ क्राइटेरिया दी होंगे कि यू नीड टू फॉर्म अ टीम ऑफ टेन पीपल फाइव पीपल बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया तो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए आपको टीम बनानी है अब उन क्राइटेरिया के बेस पे एक बन सकती है दो बन सकती है तीन बन सकती है मल्टीपल टीम्स बन सकती हैं ठीक है उसको बोलते हैं टीम फॉर्मेशंस सेलेक्शंस टीम फॉर्मेशंस एंड सेलेक्शंस क्वाइट सिमिलर हैं दोनों रिलेटेड टॉपिक हैं सब बताऊंगा आरओ ही सब बताऊंगा है ना ठीक है क्या नहीं राइट है ना ठीक है चलिए ओके तो सेलेक्शंस एक ऐसा पार्ट है कि मान लीजिए कि मुझे बोला गया है कि ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच ये दो लोग हैं है ना अब इसमें से मुझे कुछ क्राइटेरिया दिए हैं फर्स्ट पॉइंट उसने बोल दिया कि अगर ए एंड बी आएंगे तो दोनों साथ में आएंगे वरना कोई नहीं आएगा है कि नहीं डी एंड ई आएंगे तो साथ में आएंगे वरना कोई नहीं आएगा जी एंड ई में जी एंड एच में से ओनली वन है ना इन दोनों में से कोई एक ही आएगा दोनों एक साथ नहीं आ सकते तो ऐसे कुछ के बेसिस पे हमको टीम फॉर्मेशन करने होंगे राइट टीम से करने होंगे है ना मान लीजिए कि ए बी बचपन के दोस्त है जहां जाएंगे साथ में ही जाएंगे अकेला कोई नहीं जाएगा है ना डी एन डी एंड &E, ई बाबू सोना मेरा बाबू जहां जाएगा मैं वहीं जाऊंगा तो साथ में ही जाएंगे ये दोनों आपस में लड़ लिए दोनों में से एक ही जाएगा दोनों नहीं जाएगा तो इसको बोलते हैं Selections. क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं टीम फॉर्मेशन इन सिलेक्शन आवे क्लियर है ना मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आपको आइडिया लगे है ना सी कॉन्ट कॉन्ट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हमको पता है एर्थमेटिक क्या हमको पता है ज्योमेट्री क्या है एल्जेब्रा क्या है नंबर सिस्टम क्या है, हमको पता है ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बट ये टॉपिक्स हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं राइट right? है ना हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं कैट के लिए तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है दैट इज वाई यू गेटिंग एग्जाम्पल ऑफ इच एंड एवरी टॉपिक है ना सब बताऊंगा बाबू सब बताऊंगा मैंने अभी चालू किया है खत्म करने तक सारे क्वेश्चन आपके आंसर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे जो बच जाता है आपके मन में डाउट वो पूछ लेना आप मुझे है ना जो भी डाउट आपको लगता है कि सर ने ये चीज कवर नहीं करी आप पूछ लेना ठीक है? Okay. फिर होता है रूट्स एंड नेटवर्क है ना अब रूट्स एंड नेटवर्क में क्या होता है रूट्स एंड नेटवर्क में क्या होता है कि मान लीजिए मान लीजिए प्लेस यहां पर जयपुर है यहाँ दिल्ली है है ना यहाँ कहीं मुंबई है ठीक है हम लोग मान लेते हैं यहां कहीं पे कोई x है यहां कहीं पे कोई y है x हर जगह पहुंच जाता है है ना ठीक है अब उसने बोल दिया कि दिल्ली से लेके जयपुर या जयपुर से लेके दिल्ली जाने के दो रास्ते हैं है ना इधर से तीन रास्ते हैं इधर दो रास्ते हैं इधर एक ही रास्ता है इधर चार रास्ते हैं ठीक है इधर एक ही रास्ता है फाइन इधर दो रास्ते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा रूट एंड नेटवर्क के अंदर है ना कि आई कैन गो फ्रॉम जयपुर टू डेली इन टू वेस अब अगर मुझे मुंबई से डेली जाना है तो मुंबई टू डेल्ही मैं डायरेक्टली भी जा सकता हूं दो तरीके मुंबई से लेके डेली में वाया जयपुर भी जा सकता हूं मुंबई टू डेली में वाया एक्स भी जा सकता हूं मुंबई टू डेली में मुंबई एक्स वाई एंड फिर डेली घूम के भी जा सकता हूं तो ये सब आता है रूट्स एंड नेटवर्क के अंदर है ना ये सब आता है रूट्स एंड नेटवर्क के अंदर अभी क्लियर विद दिस फंडामेंटल है ना ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि टॉपिक के अंदर क्या आता है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो गया गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के अंदर अलग अलग गेम्स के क्वेश्चन होंगे कि भाई एक क्रिकेट मैच हुआ है ना क्रिकेट मैच में इतने इस, इतने रन स्कोर करे इस टीम ने इतने रन बनाए फुटबॉल मैच हुआ इतने गोल्स हुए ये टीम हारी वो टीम जीती हॉकी हो गया चेस हो गया बैडमिंटन हो गया है ना तो वो सब गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के अंदर आता है वेन डायग्राम हमने बचपन में पढ़ रखा है है ना वेन डायग्राम हमने बचपन में पढ़ रखा है ऐसा ऐसे गोले टाइप था बनते हैं ऐसे गोले बताओ किस किसने पढ़ा है ऐसा 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 किस किस ने है इसा? इसा। इसा इसा किस देखा है वेन डायग्राम्स वेन डायग्राम ऐसा किस किस ने देखा है तो देखा है है ना दो का हो गया तीन का हो गया ऐसे वेन डायग्राम देखे बचपन में किसी ने क्लास नाइन टेन में पढ़ा है ऐसा किसी ने है ना क्लास नाइन टेन में पढ़ा है ऐसा किसी वेन डायग्राम्स है कि नहीं सब देखा होगा ना अगर ये ए है ये बी है ये सी है सो दिस पार्ट इज कॉमन बिटवीन ए एंड सी टेल मी नो दिस पार्ट इज कॉमन बिटवीन ए एंड सी दिस पार्ट इज कॉमन ऑफ बी एंड सी दिस पार्ट इज कॉमन ऑफ ए एंड बी दिस इज ऑफ ऑल थ्री ये सब कुछ पढ़ा है हमने राइट है ना ऐसा कुछ देखा होगा तो इसको बोलते हैं वेन फिर होती है मैट्रिक्स पजल्स है ना मैट्रिक्स पजल्स मैट्रिक्स पजल्स में अलग अलग तरह की पजल्स होती है है ना मैट्रिक्स में अलग अलग तरह की पजल होती है मान लो कि एक बॉक्स बना दिया है ना ठीक है फाइन ये हो गए नेम लिख दिए मैंने यहाँ पे यहाँ पे उसका फेवरेट कलर लिख दिया यहाँ पे उसकी सिटी लिख दी है ना यहाँ पे उसका फेवरेट फूड लिख दिया कि भाई ए बी सी डी ई एफ लोग हैं अब ए का कोई फेवरेट कलर है बी का कोई कलर है सी का कलर है डी का फूड है है ना हमें वो मैच करना है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा जो आपको दी होंगे है ना जो गिवन पॉइंट्स होंगे फाइन उन पॉइंट्स में से आपको डेटा निकालना है कि भाई A को कौन सा कलर पसंद है है ना बी को कौन सा फूड पसंद है है ना सी अगर लड़की है तो लड़की को कौन सा पसंद होगा पिंक ठीक है यस और नो मैं तो हर चीज पिंक कलर की ही लूंगी तुम कुछ भी बोलो ठीक है तो ये सब आता है पजल्स के अंदर है ना ये सब आता है पजल्स के अंदर ठीक है लिए दिस काइंड ऑफ में होता है कि लेफ्ट राइट right होगा इसमें लेफ्ट राइट right नहीं होता ठीक है और भी आते हैं फ्लोर फ्लोर बेस्ड पजल्स भी आते हैं है ना अब उसने बोल दिया कि एक बिल्डिंग है है ना एक बिल्डिंग है सिक्स सिक्स फ्लोर की एक बिल्डिंग है है ना उस बिल्डिंग में नंबर ऑफ पीपल आर स्टेइंग है ना यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ए रह रहा है इधर बी रह रहा है इधर सी रह रहा है इधर डी रह रहा है इस तरीके से है ना तो इसको बोलते हैं फ्लोर बेस्ड पजल्स क्या बोलते हैं फ्लोर बेस्ड पजल्स तो ये अलग अलग तरह की पजल्स होती हैं जो मैट्रिक्स के अंदर आती हैं और बहुत तरह की पजल्स हैं जो मैट्रिक्स के अंदर आती हैं तो ये एल आर का सिलेबस पूरा का पूरा क्लियर है आपको एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे सिलेबस के अंदर है ना एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये है lr के टॉपिक्स ठीक है फिर di अब di में से diye बहुत सिंपल है अगर lr एंड di में से मुझे डिफरेंशिएट करना है तो di इज कंपैरेटिवली सिंपल एंड इजी देन lr है ना सब लोगों ने बचपन में या अभी ऐसे चार्ट्स तो देखे ही होंगे हर कहीं पे है ना ऐसे चार्ट्स तो देखे होंगे आप लोगों ने है कि नहीं बार चार्ट्स बोलते हैं इसको ऐसे चार्ट सब लोगों ने देखे ऐसे चार्ट्स भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखे होंगे है ना जिसको पाई चार्ट्स बोलते हैं ठीक है फाइन जिसको पाई चार्ट्स बोलते हैं ये एक्स है ये वाई है ये जेड है ये ए ये बी ये सी देखे नहीं देखे बताओ ये पाई चार्ट हो गए लाइन चार्ट भी सब लोगों ने देखे होंगे है ना लाइन चार्ट भी सब लोगों ने देखे होंगे अगर कोई ग्राफ है जो ऐसा है लाइन चार्ट ऐसा सब लोगों ने देखा होगा लाइन चार्ट बोलो हा है ना बोलो हा है ना ठीक है टेबल्स टेबल्स में जो बताने की जरूरत नहीं है जैसे कि ये भी एक टेबल ही है है ना ये भी एक टेबल ही है ठीक है ये एक टेबल बन गया है ना ये एक टेबल बन गया बोलो हाँ ना? ठीक है फिर 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 और क्या है हमारे पास रेडार चार्ट्स, तो रेडार चार्ट्स एक स्पाइडर के फॉर्म में दिया होता है आपको है ना रेडार चार्ट एक स्पाइडर के फॉर्म में दिया होता है मान लीजिए कि उसने ऐसा कुछ बना दिया ठीक है अब ये एक वेब टाइप का बन जाएगा जैसे स्पाइडर का वेब होता है ना स्पाइडर का वेब होता है ना रेडार चार्ट का दूसरा एक और नाम है स्पाइडर का वेब अब ये सारे कनेक्टेड होंगे आपस में है ना सारे कनेक्टेड होंगे अगर आप गूगल पर डालोगे स्पाइडर चार्ट या रेडार चार्ट तो आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा अब ये पेंटागन भी हो सकता है हेक्सागन भी हो सकता है स्क्वायर भी हो सकता है ठीक है संस्कार बाबू सबर कर लो है ना युवराज सब बताऊंगा मैं ओके ठीक है फिर होते हैं स्केटर्ड चार्ट स्कैटर्ड चार्ट मतलब क्या होता है स्केटर्ड चार्ट मतलब क्या होता है कि एक चार्ट होगा उसमें अलग अलग चीजें फैली बड़ी होंगी कहीं स्क्वायर हो गया कहीं सर्कल हो गया कहीं डॉट हो गया कहीं स्टार हो गया है ना कहीं छोटा सर्कल हो गया दो सर्कल हो गए है ना कहीं पे एक पेंटागन बना दिया उसने ऐसा कुछ शेप बना दिया हर एक की अपनी अपनी एक वैल्यू है तो उसको बोलते हैं स्केटर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केटर्ड स्केटर्ड का मतलब क्या होता है फैला पड़ा है ना अनऑर्गेनाइज्ड इसको बोलते हैं स्कैटर्ड तो इस तरह का कुछ चार्ट दिखेगा आपको स्कैटर्ड तो ये है हमारे पूरा एल आर एंड का सिलेबस कैशलेट इज नथिंग बट पैराग्राफ है ना इज नथिंग बट पैराग्राफ आपको दिया होगा एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें दस पंद्रह पॉइंट होंगे या कंप्लीट पैराग्राफ होगा उस पर से डेटा आपको बढ़ाना होगा यहां तक डाउट है किसी को सिलेबस में कोई डाउट है किसी को ये सिलेबस है है ना ये एल का सिलेबस है ठीक है फाइन ये LRDA का सिलेबस है है ना अब LRDA में क्वेश्चन कैसे आते हैं जैसे क्वांट है क्वांट में एक क्वेश्चन होगा उसके चार ऑप्शन होंगे है ना या तो फिर टीटा क्वेश्चन होगा सर ने आपको बताया होगा कि सिर्फ क्वेश्चन आपको दिया है नीचे बॉक्स दिया होगा उसमें आपको अपना आंसर लिखना है 3 4 5 जो भी है ठीक है बोलो है ना इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक डाटा दिया होता है है ना जो भी डेटा पैराग्राफ या चार्ट या जो भी दिया है आपको है ना जो भी दिया है आपको डेटा वगैरह ठीक है उसके जिस पे आपको मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं जैसे 2021 में क्या था कि कुछ इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सेट ये पूरा सेट हो गया 2021 में क्या आया था कि कुछ सेट एस ऐसे थे जिसमें चार क्वेश्चन थे कुछ सेट ऐसे थे जिसमें सिक्स क्वेश्चन थे ठीक है नहीं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन 2021 वेर आल्सो 20 है ना 2022 में क्या हुआ था 2022 में क्या हुआ था कि उन्होंने पांच सेट पूछे थे हर सेट में चार क्वेश्चन हर सेट में चार क्वेश्चन तो टोटल कितने हो गए 20 क्वेश्चंस बोलो है ना हाँ कैसलेट्स मतलब कैसलेट्स एलआईडीए का भाई है है ना कैसलेट्स एलआईडीए का भाई है यस भी लॉग इन नहीं कर सकते आप एक डिवाइस टाइम सिर्फ एक ही डिवाइस में लॉग इन कर सकते हैं या, के ले लिया, है ना? ठीक है? सर मैं और पैसा इतने कम सब्सक्रिप्शन में दे रहे हैं फिर भी शेयरिंग करनी है इनको ओमेट्स का एल आर डी क्वेश्चन बता रहा हूं फॉर नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कैट फर्स्ट कैट कर लेंगे खत्म कर लेंगे सबका डिस्कशन कैट का उसके बाद आऊंगा मैं ओमेट्स पे ठीक है राइट उसके बाद मैं पे है ना तो ये पैटर्न होता है ये पैटर्न होता है एलआरडी का ठीक है ट्वेंटी क्वेश्चन में सर ने बताया होगा आपको ऑलरेडी राइट है ना फाइन सर ने बताया होगा ट्वेंटी टू क्वेश्चन आते हैं कॉन्ट में ट्वेंटी आता है एलआरडी में ट्वेंटी फोर आते हैं वीआरसी में है ना नहीं एक सेट एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन होता है तीन मार्क का है ना अगर एक सेट है एक सेट के अंदर मान लीजिए कि चार क्वेश्चन आए तो वो सेट कितने मार्क का हो गया बारह मार्क का एक सेट के अंदर मान लीजिए कि पांच क्वेश्चन आए तो सेट कितने मार्क का हो गया पंद्रह मार्क का है ना अगर सेट के अंदर छह क्वेश्चन आते हैं तो सेट कितने मार्क का हो गया अठारह मार्क का वन क्वेश्चन हैज थ्री मार्क्स नॉट वन सेट समझे पर क्वेश्चन देर ऑफ थ्री मार्क्स अब डिपेंड करता है कि एक सेट में कितने क्वेश्चन है चार है पांच है छह है कितने है? ठीक है

ठीक सीमेंट महाराष्ट्र सी वगैरह 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 क्या सिलेबस तो रहता है तो एल डीआई के टॉपिक्स में कोई चेंज नहीं है. अगर चेंज है तो एल के टॉपिक्स में एल आर के टॉपिक्स क्या क्या होते है सबसे पहला होता है सबसे पहला टॉपिक होता है फिर होता है स्टेटमेंट है ना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भाई दो तीन स्टेटमेंट दिए होंगे उस पे से कंक्लूजन दिए होंगे आपको पता करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है, है सही है या कौन सा आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट को रेप्लीगेट कर रहा है ठीक है कि नहीं फोर्थ होता है डायरेक्शन है ना फोर्थ होता है डायरेक्शन ठीक है डायरेक्शन सेंस बोलते हैं इसमें क्या होता है उसने बोल दिया कि सम वन स्टैंडिंग हियर पहले वो गया नॉर्थ उधर से गया ईस्ट उधर से गया साउथ उधर से गया ईस्ट है ना उधर से गया नॉर्थ तो फाइनल डिस्टेंस पता करिए है, है ना इसको बोलते हैं डायरेक्शन सेंस ठीक है इसको बोलते हैं डायरेक्शन वेरी वेरी इजी टॉपिक फिर आता है सीरीज है ना फिर आता है सीरीज सीरीज में क्या होता है कि मान लो उसने बोल दिया कि थ्री है उसका नेक्स्ट नंबर फाइव है उसका नेक्स्ट नंबर नाइन है फिर ट्वेंटी है नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करिए नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करिए ये नंबर सीरीज भी हो सकती है ये लेटर सीरीज भी हो सकती है भाई ए है फिर सी है फिर ई e है फिर जी है तो नेक्स्ट लेटर फाइंड आउट करिए समझे कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि ए सेवन है फिर सी नाइन है डी एट है एच 11 है तो नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करिए ये सब होता है राइट ये सब होता है इसको बोलते हैं है 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 ना ना ठीक भी 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 होता 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 जो मैंने बताया राइट यहाँ पे कि एक सीरीज के होगा मल्टीपल सीरीज दे देंगे आपको तो एनॉलॉगिस हो गया वो आगे के लिए वो दिस, ठीक है सेवेंथ टॉपिक होता है ब्लड रिलेशन क्या होता है है ना ब्लड रिलेशन ठीक है कि भाई ए इज ब्रदर ऑफ बी बी इज सिस्टर ऑफ सी सी मदर ऑफ डी है ना डी इज फादर ऑफ जी तो ए और डी का रिलेशन बताओ ठीक है कौन किसका मौसा फूफी अंकल आंट सब पता कर लेते हैं But, हिंदी में नहीं इंग्लिश में आता है फर्क यह है ठीक है टिकाना है रिश्ते पता करना होते हैं है रिश्ते पता करना होते हैं ब्लड रिलेशन आगे क्लियर दिस तो दीज आर द मेन टॉपिक्स जो आपके ओमेंट्स के अंदर आते हैं ठीक है

डेटा पढ़ोगे तो बैनर में ही लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट एवरीथिंग इज़ कवर्ड फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस हैबिट डालो ये है ना चीजों को ढंग से पढ़ने की हैबिट डालो कैट के लिए बहुत जरूरी है ठीक है छोटी छोटी चीज एक बार दो बार बताई जाएगी आपको है ना बट आपको खुद एनालाइज करने आना चाहिए पेपर आपको देना है जाके हमें नहीं देना है है ना मैंने डेटा दे दिया डेटा आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा बीच का डेटा नहीं पड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा है ना ठीक है कि नहीं ठीक है समझ रहे बात को यस तो ये हो गया ऑमेट्स के बारे में ये हो गया ऑमेट्स के बारे में अब एल का जो तो सेक्शन होता है वो कितने मार्क्स का होता है एलआरडीए का सेक्शन होता है कितने मार्क्स का होता है सिक्सटी मार्क्स का ट्वेंटी क्वेश्चन है ना ट्वेंटी क्वेश्चन सिक्सटी मार्क्स ठीक है कि नहीं फाइन ट्वेंटी ट्वेंटी के पहले डेटा ट्वेंटी ट्वेंटी के पहले कुछ पैटर्न अलग था है ना कोविड हुआ कोविड के पहले कुछ पैटर्न अलग था है कि नहीं तो 17 से लेके अगर मैं 2022 तक का एनालिसिस देखूं 17 से लेके अगर मैं 2022 तक का एनालिसिस देखूं है ना तो पहले सिर्फ पहले पेपर 300 मार्क्स का था ठीक है टोटल पेपर वाज ऑफ 300 मार्क्स अभी पेपर है 198 मार्क्स का तो इसलिए डिफरेंस दिख रहा है राइट इसलिए आपको डिफरेंस दिख रहा है है कि नहीं ठीक है तो 2017 से लेके 19 तक दो स्लॉट्स थे है ना

ये आपके हाथ में नहीं है कि आपका कौन सा स्लॉट आएगा है ना ठीक है इट रैंडमनेस totally है ना? ये है, है ठीक है कि नहीं? है ना? टोटली है, ठीक है? है ना ठीक तो ये 27 से 22 का डेटा है कि हर स्लॉट में कितने कितने सेट आए थे राइट है ना हर स्लॉट में पहले एट आए थे एट आए थे आए थे फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस हो गए है ना टाइमिंग भी रिड्यूस हो गया

इधर चारों के चारों सेट में पांच क्वेश्चन ईच थे तो टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन हो गए दिस दिस क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके ठीक है अब हम देखते हैं कि अगर एल का जो मेरा सेक्शन है है ना वो सिक्सटी मार्क्स का है तो भाई ये सिक्सटी मार्क्स में से मेरा टारगेट कितना होना चाहिए है ना सिक्सटी मार्क्स में से सिक्सटी मार्क्स मतलब कि ट्वेंटी क्वेश्चन

परसेंटाइल बनेगा है ना ठीक है तो अगर हम लोग 2022 का एनालिसिस देखें है ना तो अगर कोई पेपर में 16 क्वेश्चन सही करके आया है 16 आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 20 अगर आपने 16 सही कर रहे हैं तो आपका 100 बन गया आउट ऑफ 20 अगर आपने 13 सही कर रहे हैं तो आपका 99.99 .99 बन गया अगर आउट ऑफ 20 आपने 10 या 11 है ना एक सेट में कितने क्वेश्चन आते हैं एक सेट में कितने क्वेश्चन आते हैं पांच टोटल ट्वेंटी में से अगर दस मतलब क्या मतलब क्या कि आपने फिफ्टी परसेंट ही पेपर करा तो भी आपका नाइनटी नाइन परसेंट हो गया हमारा टारगेट सब सब करना नहीं है पेपर के अंदर हमारा टारगेट क्या है सिर्फ फिफ्टी परसेंट सिलेबस करना है ना फिफ्टी पे नाइनटी नाइन पे है ना इस और नो सिक्सटी या सिक्सटी 70 अगर आप परसेंटेज पेपर सॉल्व करके आते हो तो आपका आराम से 99 पॉइंट में ही चला जाएगा 99.674 डिपेंडिंग ऑन दी एक्यूरेसी कि भाई आपने कितने सही करे हैं कितने गलत करे हैं दैट आल्सो मैटर्स है ना अब अगर किसी ने 15 क्वेश्चन करे 15 में से 10 सही करे तो 10 into 3 कितना आ गया 30 ये समझ लो बट पांच गलत करे तो 5 1 कितना आ गया -5 तो ओवरऑल स्कोर कितना हो गया 25

ओके बट पैटर्न से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे इट ड मैटर है ना ठीक है कि नहीं अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो भी 50 परसेंट सोल्व करने पे 99 नाइन ही बनेगा 100 क्वेश्चन आते हैं तो भी 50 परसेंट सोल्व करने पे 99 नाइन ही बनेगा ठीक है सो दीस परसेंटेज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चन इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ मच यू आर एबल टू सोल्व ठीक है कि नहीं फाइन हाउ मच एबल टू कोई बोले कि सर मैं बहुत ही बुद्धू हूं मैं बहुत बुद्धू हूँ सर मैं बहुत बिलो एवरेज हूँ चीजें समझ में नहीं आती हैं मैं बिलो एवरेज तो है देखो जरा। 90 भी अगर लाते हो, तो भी आपको अच्छी आई अच्छी टॉप स्कूल मिल जाती है अब नाइनटी आपको कितने क्वेश्चन करने क्वेश्चन छह क्वेश्चन करने एक सेट चालीस मिनट का पेपर है LRDI का सेक्शन 40 मिनट्स का है 40 मिनट्स लगा के मैं एक सेट तो कर सकता हूं ना बिल्कुल कर सकता हूं आज से लेके आप 400 डेज की पढ़ाई करोगे आज से लेके कैट में 400 डेज है 400 डेज में मैं पढ़ के है ना मैं अगर 400 डेज की बात करूं 400 डेज में मैं ऑन एन एवरेज तीन घंटे पढ़ता हूं तो 1200 आवर्स हो गया 1200 आवर्स को हम लोग लो मिनट में कन्वर्ट करें तो 72,000 मिनट्स हो गई बहत्तर हजार मिनट पढ़ के क्या हम लोग एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते कैट में कर सकते हैं ना बिल्कुल कर सकते हैं है ना सोचो जरा जरा दिमाग लगाओ है ना? जरा दिमाग लगाओ अपना ठीक है कि नहीं बोलो हाँ है ना बिल्कुल कर सकते हैं, है ना तो अगर कोई ऐसा इंसान है कि जो मुझे बोलता है कि सर मेरा कैट में तो नाइनटी परसेंटाइल भी नहीं आया है ना मैं बिलो एवरेज हूं तो नाइन्टी परसेंटाइल नहीं आया उसका मतलब रीजन ये नहीं है कि आप बिलो एवरेज हो रीजन ये है कि आपने साल भर कुछ नहीं करा सिर्फ टाइम पास करा है है ना कभी पढ़ाई करी कभी नहीं करी कभी करी कभी घूम के आ गए कभी थोड़ा पढ़ लिया कभी ज्यादा पढ़ लिया नहीं ऐसा नहीं चलेगा आपको डेली पढ़ना है थोड़ा थोड़ा पढ़ना है है ना थोड़ा थोड़ा पढ़ना है यस और नो बिल्कुल होता है भाई रॉन्ग आंसर से बिल्कुल होता है है ना डिफरेंट नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा दिमाग लगाओ ना अगर किसी ने पंद्रह क्वेश्चन करें दो लोग लोगों ने फिफ्टीन क्वेश्चन सही हुए एंड फोर इन करेक्ट हुए तो टोटल कितना हो गया थर्टी थ्री माइनस फोर ट्वेंटी नाइन स्कोर इसने फिफ्टीन में से लेवन सही करे है ना फिफ्टीन में से मान लीजिए कि और ज़्यादा सही कर लिया लेटेस्ट लेट से लेटेस्ट से ट्वेल्व सही कर लिए तो 36 है ना और तीन गलत कर लिए। तो माइनस थ्री कितना हो गया? 33, difference of 4, difference of 4, है नहीं? थोड़ा दिमाग लगाइए ट्वेंटी का डिफरेंस के डिफरेंस परसेंटाइल का फर्क पड़ गया तीन के डिफरेंस पे कितना का फर्क पड़ गया? वन परसेंटेल वन पर्सेंटाइल टेल मी यस और नो 10 में यस और नो है कि नहीं समझे तो आपको यही सोचना है कि आप एक गलती भी कर रहे हो इट गेट्स यू डाउन फ्रॉम आईएमएमदाबाद टू सम अनदर आईएम एक और गलती सम अनदर आईएम एक और गलती सम अनदर आईएम एक और गलती बाहर रेस से बाहर बोलो हां ना समझ रहे हो बात को यस और तो दिस आर सम पर्सेंटाइल वर्सेस स्कोर है ना दिस आर सम पर्सेंटाइल वर्सेस स्कोर दिस इज ऑल अबाउट योर लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन है ना कोई क्वेरी है तो पूछूंगा को. कोई क्वेरी है तो पूछूंगा अभी तो आपको अभी आपका क्या होगा देखो अभी हम कैसे पढ़ाएंगे आपको अभी हम कैसे पढ़ाएंगे मंडे टूजडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे है कि नहीं फाइन सो so आपकी मंडे एंड मंडे एंड थर्सडे में जो क्लास होगी मंडे एंड थर्सडे में जो क्लास होगी वो एल आर डी आई की होगी है ना फाइन एंड वेनस सॉरी एंड फ्राइडे में जो क्लास होगी वो आपकी क्वांट की होगी है ना और आपकी वे एंड सैटरडे में जो क्लास होगी वो किसकी होगी आपकी वीआरसी की होगी है ना फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट टू मंथ्स है ना फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट फोर्टी फाइव डेज आपका यही शेड्यूल है, है ना? यही स्केड्यूल है तो आपको सेम स्केड्यूल फॉलो करना है है ना कि एल आर डी आई है ना कॉन वी आर सी ठीक है यही हो गया मतलब फाइन एल आर डी आई कॉन वी आर सी यही मतलब हो गया तो आपका स्केड्यूल भी सेम होना चाहिए कि भाई आज सर ने एल आर डी आई पढ़ाया है दो घंटे की क्लास तो मैं साथ साथ में एटलीस्ट वन आवर प्रैक्टिस करूंगा है ना

आखिरी पंद्रह मिनट बीस मिनट डाउट ले लिए या एक पूरी की पूरी डाउट क्लास ले ली इस तरह से ले लेंगे ठीक है फाइन चलिए तो हम लोग अब चलते लो हैं नेक्स्ट चलते हैं वीआरसी पे है ना तो वीआरसी लेंगे आपका सुमन मैम ठीक है ओके फाइन अगर आपको कोई भी क्वेरी है ठीक है रिगार्डिंग एलआरडीआई फाइन रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है एलआरडीआई तो मेरी मेल आईडी है ऐसे ही हर टीचर की मेल आईडी है यहां पे सागर@mbapath मेल कर दीजिएगा. है ना. फाइन ऐसे ही उदित सर का कोई क्वेरी है तो उदित एट द रेट कॉम सुन एट द रेट एम बी पार्सलॉम बुकलेट्स आपको दिसंबर में मिलेंगे है ना? में मिलेंगे ठीक है चलिए कल मेरी ही क्लास सबसे पहली है. है ना तो कल जो आपकी क्लास है वो एल आई क्लास है हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर अरेंजमेंट से है ना सो बी प्रेजेंटेड सेवन पीएम एंड एकलव्य बैच अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम टू तो मैक्सिमम शेयर करिए है, है कि नहीं आप भी होंगे क्लास में आपके फ्रेंड्स भी होंगे क्लास में आपको पढ़ने का मजा आएगा राइट है ना आपस में मिलके पढ़ोगे ज्यादा मजा आएगा ये बता दे उसको कुछ आया तो उसने बता दिया तुम्हें कुछ आया तुमने बता दिया है ना तो यू विल फील बेटर वाइल लर्निंग है ना ठीक है तो शेयर करना मैक्सिमम टू तो मैक्सिमम अगर पसंद आ रहा है तो ठीक है Chilly. I'll see you soon. Till then. Good night. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ तो कैसे हैं आप लोग क्लास के सर क्लास के पीपटीज मिलेंगे डेफिनेटली मिलेंगे आपको एज एन नोट्स मिलेंगे वो uh, आप जब बैच में जाएंगे सपोज आप एप पे जाते हो एंड वहां पर आपका कैट ट्वेंटी फोर जो है आप उस कोर्स पे या फिर उस बैच पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे कंटेंट में जो है ना आपको क्लास के नोट्स भी मिलेंगे एंड आपको जो भी प्रैक्टिस वगैरह हैं वो सब भी मिलेंगे सो ओके ऑल ऑफ यू गुड नाइस सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वी आर सी एजुकेटर फॉर कैट ट्वेंटी फोर एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट थिंग्स आई नो आपका बहुत ज्यादा ड्यूरेशन का सेशन हो चुका है सो आई एम नॉट टेकिंग टू मच योर टाइम ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड मैम सब ठीक है इंग्लिश बहुत वीक है नाइस nice. <laughs> सब ठीक है इंग्लिश बहुत वीक है तो देखो इंग्लिश को आपको इम्प्रूव करने के लिए ना फॉर वी आर सी सो मैम मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी बोलूंगी फॉर बिकॉज ऑल यू नो दैट बेसिकली वी हैव ऑलमोस्ट आई थिंक वेटेज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रियशन इन आर कैट एग्जाम सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इंप्रूव यीडिंग स्किल्स और रीडिंग स्पीड राइट बिकॉज ये चीज जो है ना वो आपको कम्पलीट वीआरसी में हेल्प करेगी सो so, ये एक इंपॉर्टेंट टिप है फॉर कम्प्लीट वी आर सी की एटलीस्ट आपको जो थर्टी मिनट है ना वो आप लोगों को देने हैं वो आप लोगों को देने हैं फॉर रीडिंग न्यूज पेपर राइट तो वो रीडिंग जो न्यूज पेपर रीडिंग है मेरा इंग्लिश जीरो है नाइस nice. अच्छी बात है आपका इंग्लिश जीरो है तो उसको हीरो बनाएंगे है ना बिकॉज जीरो टू हीरो ले जाने के आपको बनाने के लिए ही

Uh, ज कर लू आई डों चलिए स्टार्ट करते हैं राइट न्यूज पेपर कहाँ मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी ठीक है न्यूज पेपर भी आपको मिल जाया करेगा <coughs>

नॉन एमसीक्यू जो आपके टॉपिक्स हैं उनमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है है ना कौन सा न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए देखो न्यूज़पेपर आप कोई भी रीड कर सकते हो जो आपको पसंद हो है ना तो द हिंदू कर लो अच्छा रहेगा बाकी इट्स योर चॉइस अब मैं वीआरसी सेक्शन के बारे में बताती हूँ बेसिकली वी एग्जाम एंड टाइम अलॉटेड इड फोर्टी मिनट बेसिकली और ये आपका फर्स्ट सेक्शन जो है वीआरसी होता है अब बहुत से लोगों का पता क्या है कि अः लाइक वीआरसी जो है ना वो हम कर लेंगे आराम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हम इजिली कर लेंगे वीआरसी तो बट ये ना आपका फर्स्ट सेक्शन होता है इन योर कैट एग्जाम राइट अगर फर्स्ट सेक्शन में ही अगर आपका पेपर बिगड़ गया या फिर कॉन्फिडेंस यूज हो गया आपका या फिर आपको लगता है कि हाँ यार कुछ अच्छा नहीं जा रहा तो बाकी के जो आगे के आपके डीएलआर और पॉइंट है ना वहां पे तो फिर कॉन्फिडेंस चला ही जाना है प्रॉपर राइट right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका जो वीआरसी सेक्शन है उसका अच्छा जानना बहुत जरूरी है बिकॉज आप आप जब सपोज आप इनिशियली आपका जो फर्स्ट सेक्शन है अगर वही अच्छा नहीं जाएगा अगर उसी में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लो हो ही जाएगा राइट right? तो आपको सबसे ज्यादा फोकस ना वीआरसी पे करना है एंड अगर मैं बात करूं आपका आरसी की आरसी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इन वी आर सी देखो अगर मैं

तो सबसे ज्यादा फोकस आपको आरसीज पे करना है और आरसीज ऑफ kind of, uh, ऐसा भी नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है जो आपको आएगा नहीं बट इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपका रीडिंग आपके जो रीडिंग स्किल्स हैं वो कितने अच्छे हैं और आपने अपनी रीडिंग पे कितना फोकस किया टिल योर एग्जाम आपको रीडिंग डेली करना है एटलीस्ट थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट सपोज इफ यू आर अगनर तो आपको आई थिंक ज्यादा टाइम देना है आपको एटलीस्ट फोर्टी फाइव मिनट्स देना है, है ना क्यों क्योंकि आप उसको रीड करेंगे फिर काफी ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स आएंगे जो कि आपको नहीं आते होंगे तो आप उनको ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो कि मुझे ये वोकैबलरी नहीं आ रहा है तो मैं ऐसा करता हूं मैं इसको ना इसको छोड़ देता हूं कुछ और जो इजी इंग्लिश लैंग्वेज होगा मैं उसको रीड करूंगा ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी आप जब भी न्यूज़पेपर रीड करते हो तो इसका मैं एक पैटर्न प्रॉपर आपको एग्जांपल के साथ में समझाऊंगी कि कैसे आपको न्यूज़पेपर रीड करना है वो आप देख लीजिएगा लाइक उसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू रीड न्यूज पेपर एन और एस और काइंड ऑफ नॉवल आपको कैसे रीड करना है उसका एक प्रॉपर वे होता है तो ये सब चीजें है ना कि हाउ टू रीड एंड आरसी का अगर हम बात करते हैं हम इनिशियली हमारा जो कोर्स है वो हम आरसी से स्टार्ट करेंगे आपका ऑलमोस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डेज का जो है वो तो बेसिक से रहेंगे बिकॉज लगता क्या है कि आरसी हम जैसे बचपन से कर रहे थे वी हैव अ पैसेज एंड वी विल रीड एंड आंसर द क्वेश्चन राइट तो ये पैटर्न बिल्कुल ही रॉन्ग होता है आपका आरसी को सॉल्व करने का इस टाइप से आपको नहीं करना होता फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रियशन एंड देन आपको जाना है क्वेश्चन को सोल्व करने पे या फिर उसको प्रैक्टिस करने पे इनिशियली डायरेक्टली प्रैक्टिस करने मत जाना अदरवाइज आपसे होगा नहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाएगा एंड इससे भी पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ टू रीड अ न्यूज है ना या फिर हाउ टू रीड एनी

देन मैं आती हूं देखो फिल इन द ब्लैंक्स बोल सकते हो आप इसको वैसे क्योंकि ये फिलर्स नेम से आया था टॉपिक बट बेसिकली ये फिलर्स नहीं इसको हम हमारी लैंग्वेज में पैरा कॉम्प्लीशन बोलते हैं राइट right? जो कि इनकंप्लीट आपका एक पैराग्राफ होता है सो so, ये पैरा कॉम्प्लीशन टॉपिक जो है वो आपका काफी टाइम बाद आया था तो लास्ट ईयर क्योंकि मैंने तो क्लास में कराया था फिर भी बट uh, क्योंकि मैं कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी आपको इसमें जितना भी आपको बताया गया वो सारा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी बट स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ने ने कुछ ने किया नहीं था कि यार ये तो आता ही नहीं जो आता है हम तो वही करेंगे तो ऐसा नहीं है करके जाना है पैरा कॉम्प्लीशन ही है तो बेसिकली वी हैव टू क्वेश्चन इन स्लॉट वन वन काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन एंड वन इज मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन राइट वन इजी

तो यस तो आपके ना काइंड ऑफ टाइप ऑफ पैसेजेस होते हैं कितने टाइप के पैसेजेस हैं और उसको भी डील करने का या सॉल्व करने का एक डिफरेंट पैटर्न होता है तो वो आप सबको पता होना चाहिए है ना तो अब अगर मैं बात करूं टॉपिक्स लाइक उनका लेवल कैसा था किस किस टॉपिक का सबसे ज्यादा जो टिपिकल रहता है आप लोगों के लिए वो है फिलोसफी वो भी उसके लैंग्वेज पे डिपेंड करता है राइट तो फिलोसफी के बेसिकली वी हैव टू पैसेल्टिकॉज वन पैसेज इज शॉर्ट पैसेज एंड वन पैसेज इज लॉन्ग पैसेज जो डिफिकल्टी uh, लेवल जो होता है ना वो आपका जो शॉर्ट पैसेज है उसका थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है जो शॉर्ट पैसेज है जो लॉन्ग पैसेज होता है वो काइंड kind ऑफ of आपका इजी लेवल पैसेज ही रहता है राइट

नहीं पहले आई थिंक हाँ हाँ क्योंकि मुझे नाम याद आते थे क्लास में मैं भी वही, से ही थी पहले सो डिफिकल्टी लेवल जो होता है ना वो हम जज करते हैं एक तो लैंग्वेज से एक टाइप ऑफ क्वेश्चन से इफ वी हैव काइंड ऑफ फैक्चुअल और पैसेज बेस्ड यू है ना तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पैसेज है वो कैसा है एक ईजी लेवल पैसेज है राइट right? बट अगर क्वेश्चन आपके क्रिटिकल रीजनिंग से आ रहे हैं या फिर क्वेश्चन आपके काइंड kind काफ of, थोड़ा आपको घुमा फिरा के पूछ रहा है तो वो थोड़ा सा उसका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ जाता है हाँ कहीं ना कहीं हम वोकैब्लरी का भी बोल सकते हैं कि कैसा वोकैबलरी यूज हुआ है तो आपको फोकस जो है इंपॉर्टेंटली फॉर रीडिंग रीडिंगशन आपको वोकैबलरी पे फोकस करना है डे वन से अगर इफ अगर आप ये चाहते हो कि मैं आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर तो आपको डे वन सेबलरी एटलीस्ट यू हैव थ्री थाउजेंड वर्ड्स सॉरी मैंने रुपीज लिख दिया थ्री थाउजेंड वर्ड्स राइट तो थ्री थाउजेंड वर्ड्स की मिनिमम है ये मिनिमम आपके पास में इतने वर्ड्स की वोकैबलरी होनी चाहिए अगर मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि हम वोकैबलरी करेंगे कहाँ से हिंदू का एक्सप्लेनेशन भी कर दीजिएगा हाँ जी बिल्कुल कर देंगे और मैं वोकैबुलरी भी इनिशियली स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं है ना एम पाठशाला टेलीग्राम पर भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको एम पाठशाला टेलीग्राम पर मिल जाएगा तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं ओके एम पाठशाला से हूँ अच्छा एम पाठशाला से हो ओके मैं भी एम पाठशाला से ही हूँ चलिए

इस बार का कुछ कह नहीं सकते मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी हो सकता है पैरा जंबल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो मॉडरेट लेवल और ऑड वन आउट भी हो सकता है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है स्लॉट थ्री की अगर मैं बात करती हूँ तो अगेन आपके टू इजी एंड वन मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था हमारे पास में जो पैरा कॉम्पिटिशन थे एक इजी और एक मॉडरेट लेवल था पैराजंबल आपके पास में काइंड ऑफ तीनों स्टेजेस थे इजी लेवल वन इज मॉडरेट लेवल वन इज डिफिकल्ट लेवल तो बेसिकली यही आपके पास में एक स्लॉट का लाइक स्लॉट वाइज मैंने बता दिया कि आपका किस किस का क्या आया था अब मैं ओनली वीआरसी का आपको बता रही हूं स्कोर ओनली वीआरसी के लिए आपको कितने परसेंटाइल के लिए कितना स्कोर जो है वो चाहिए

और सेकंड है वर्ड वर्ड इज़ी. इज़ी अगर आप लोगों ने कर लिया, इट आपने ऑलमोस्ट हो गया है जो कि मैंने अभी इनिशियली स्टार्ट अपने वाई पे. Uh, उसका एक ही सेशन हुआ है. आज आई थिंक सेकेंड वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप देख सकते हो ग्रामर uh, वोकैबलरी फिल्स है ना सेंटेंस करेक्शन क्लोज पैसेज जम्बल पैराग्राफ मीनिंग मैच एनोलॉजीज राइट समरी क्वेश्चन जो कि पैरा समरी के वोबल रीजनिंग जिसमें कि आपका ये आ जाता है ऑड वन आउट हो गया है ना या फिर वी कैन से कंप्लीशन हो गया तो ये सब आ गए फिर फैक्ट इन्फ्लुएंस जजमेंट ये सिलेबस में है बट लास्ट काफी टाइम से इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं है हम इसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे क्योंकि कैट नहीं तो एग्जैक्ट में आपका आता ही है

एंड इनमें भी अगर मैं बात करती हूँ तो जो आपका पैरा जम्बल है एंड प्लस जो ऑर्ड वन आउट है पैरा जम्बल है और जो ऑर्ड वन आउट है ना ये आपके ऐसे टॉपिक हैं जो कि टीटा बेस्ड है राइट right? ये आपके टीटा बेस्ड टॉपिक है टीटा बेस्ड मीन इसमें आपके पास में ऑप्शन तो नहीं होंगे बट अगर आप करेक्ट कर देते हो तो आपको थ्री मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे अगर आप करेक्ट नहीं करते हो तो आपका यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये ऐसे तौप, आपके टॉपिक्स हैं ये जो टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके पर्सन को इंक्रीज करने का काम करते हैं इनसे डिक्रीज तो नहीं होगी बट ये ये आपके पर्सन को इंक्रीज करने का काम करते हैं आपके मार्क्स को जो है वो बढ़ाते हैं ठीक है अब ये जो टॉपिक्स हैं दोनों बहुत सिमिलर हैं इनके बेसिक्स जो हैं वो सिमिलर हैं तो ये जरूर आपको करके आने ही हैं सबसे ज्यादा अगर आपको किसी टू कि टॉपिक्स पे प्रैक्टिस की नीड होगी तो वो ये दोनों ही है टॉपिक्स हैं जो कि जो कि डेफिनेटली आपकी को है इंक्रीज करने का काम करता है एटलीस्ट यहाँ से आपका कुछ वो नहीं है राइट आउट जॉइन वर्ड मेड इजी सेक्शन वो आप एम बी ए पाठशाला का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा वहां पर आपको मिल जाएगा आज ठीक है वहां पर मिल जाएगा लिंक मिल जाएगा तो आप वहां पर देख लीजिएगा ओके क्या क्या हूँ like, तो बट हम क्या करने वाले एक्स्ट्रा आपका कुछ भी नहीं आएगा और ये जो सारे के सारे टॉपिक्स है ना ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ ओके okay? इसमें से कुछ भी आपका नहीं रहेगा बट यू शुड स्टार्ट विद वोकैबलरी एंड रीडिंग आपको वोकैबलरी और रीडिंग से ही स्टार्ट करना है अपना प्रिपरेशन ओके okay? अगर आप लोगों के कोई doubt है रिगार्डिंग प्रिपरेशन तो यू कैन मुझसे पूछ भी सकते हो okay चलिए अब इम, अब आपके पास में इंपॉर्टेंट ये है कि इन वीआरसी हम लोग क्या क्या करने वाले हैं है ना देखो मैं आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें इसमें करने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दू पहले कि आपके 16 टू 18 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रीडिंग से रहेंगे राइट? Right? क्वेश्चन या समरी है, है उससे आपके टू टू फोर क्वेश्चंस जो हैं वो यहां से आते हैं तो ये आपका एक बोल सकते हो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस टॉपिक से कैसे आते हैं क्या है तो वो ये सब है आपका राइट right? अब एक इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं आप लोगों को इस कंप्लीट वन ईयर में हम लोग वी में क्या क्या करने वाले हैं मैं डेली आर्टिकल टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया करो ठीक है हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप वहां से रीडिंग कर सकते हो है ना अब मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि इस कंप्लीट वन ईयर में मैं आप लोगों को क्या क्या चीजें कराने वाली हूँ इन वी आर सी राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि हाँ हम हमारी हमारे सेशंस जो हैं वो कितने रहने वाले हैं बेसिकली आई एम आई विल टेक टू हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड प्लस रहने वाले हैं इन वी एरसी कम्प्लीट वी आर सी की अगर कि हाँ हम करेंगे ये ठीक है तो ये हम करने वाले हैं उससे एक्स्ट्रा आपको में हर एक सेशन के बाद में हम लोग जो है वो प्रैक्टिस रखेंगे है ना हर एक से जो आपका सेशन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड कराऊंगी कराऊंगी कहां पर जो आपका कंटेंट है आप 24 का जो आपका बैच है आप ऐप में जाएंगे आई थिंक आपको सर ने समझा दिया होगा आप जब ऐप में जाएंगे क्या 24 बैच पे आप जैसे क्लिक करेंगे वहां पे कंटेंट लिखा हुआ आता है साइड में वहां पे आपको वी जो कंटेंट है वहां पे आपको क्लास नोट्स नाम से क्लास नोट्स मिलेंगे हर एक सेशन आफ्टर सेशन एंड उसके बाद में आपको जो प्रैक्टिस जो है उस सेशन का उस सेशन का प्रैक्टिस भी एक्स्ट्रा से मिलेगा तो थाउजेंड प्लस क्वेश्चन जो है वो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए देने वाली हूँ उससे एक्स्ट्रा लाइक आपके मॉक टेस्ट जो होंगे सेक्शनल मॉक टेस्ट का भी आपको सर ने बताया था एटलीस्ट टेन सेक्शनल जो मॉक टेस्ट है ठीक है वो आपको एटलीस्ट टेन सेक्शनल जो मॉक टेस्ट है वो आपको मिलने वाले हैं देन आपके मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज आपके रहेंगे बुकलेट्स आपको इसमें मिलने वाली ही है जो भी आपको आई थिंक सर बता चुके होंगे तो ये सब चीजें मैं आपको कराने वाली हूँ उससे एक्स्ट्रा आपको एटलीस्ट थ्री वो कैबलरी का मेन इंपॉर्टेंट था कि हाउ टू इम्प्रूव योकैलरी तो थ्री थाउजेंड प्लस वर्ड्स जो हैं वो आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ जिसमें कि आपके कुछ तो आपके क्लास में हो जाएंगे है ना तो वहां से कर लीजिएगा उसका लिंक आपको एमबीए पाठशाला के टेलीग्राम से मिल जाएगा तो ये सब चीजें जो है वो मैं आपको कराने वाली हूँ हमारा हर वीक जो है डाउट सेशन होगा सो इफ यू एनी सपोज इन ड्यूरिंग द सेशन इफ यू एनी काइंड ऑफ डाउट तो यू कैन कैन आस्क मी थ्रू रेज हैंड क्योंकि रेज हैंड का ऑप्शन है हमारे पास आपको कोई भी टाइप का कैसा भी टाइप का डाउट होता है तो आप मुझसे रेज हैंड करके वहां पर पूछ सकते हो राइट right? हाँ जी वाई का वो आपको एम बी पाठशाला टेलीग्राम पर मिल जाएगा अभी मैं शेयर करूंगी जो वर्ड पॉप मेडीजी के टू सेशंस जो हो चुके हैं उनको मैं शेयर करूंगी वो आपको वहां पे मिल जाएंगे राइट right? देन उसके बाद में आता है कि व्हेन वी हैव आर वीआरसी सेशंस या लेक्चर्स तो वो है आप लोगों का एवरी वेडनेसडे एवरी वेडनेसडे और एवरी वेडनेसडे और एवरी सैटरडे आपका सेवन पीएम पर जो है आपका सेशन रहने वाला है वी का एवरी वेन्सडे और सैटरडे पे आप लोगों का सेशन रहने वाला है वीआरसी का राइट right? जो कि आपके लाइव सेशन होंगे अवेलेबल हो, आज, आज है तो आप नेक्स्ट में so आके kind of तो लास्ट में सेशन के लास्ट में आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हैं आते ही इनिशियली क्योंकि हमें अप, अपना टॉपिक स्टार्ट करना होता है या जो भी है देन उसके बाद में आप जो है वो पूछेंगे अब मैं इसमें बताऊं आप लोगों का तो वी आर जो है वो कंप्लीट आपको बेसिक्स के साथ में कराने वाली बिल्कुल जीरो लेवल से मैं यही यही सोच जैसे जैसे बताऊंगी वैसा आपको फॉलो करना, है, आपका वो हो, हो, मैं आपको करना कैसे है आपको कुछ नहीं आता इट्स ओके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना वो इसी पे होगा कि हाउ टू रीड राइट right? तो आपको मैं रीडिंग एक्सप्लेन करूंगी कि रीडिंग एक्चुअली में आइडियल रीडिंग क्या होती है कैसे करना होता है क्या है तो इसका जो फर्स्ट सेशन होगा ना वो रीडिंग पे ही होगा वो कैबलरी में आपको कराऊंगी सब कुछ आपको मैं जीरो लेवल से आपके बेसिक्स फाउंडेशन काइंड ऑफ समझ लो कि आपके एटलीस्ट टू मंथ्स तो जो है बिल्कुल फाउंडेशन चलने वाला है देन हम जो है हमारा सिलेबस uh, को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा तो वो है हमारा सिक्स टू एट मंथ्स का ड्यूरेशन जो है उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट होता है प्लस आपके पास में थाउजेंड प्लस क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के आपको मिल जाएंगे तब तक तो आपका प्रैक्टिस भी उससे हो जाएगा तो ये सब चीजें हम लोग करने वाले हैं देन आपका अगर कोई कुछ भी डाउट होता है कि मैम हम आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे आई थिंक सागर सर आपको बता चुके हैं है ना सुमन एट द रेट एमबीए uh, पाठशाला पे आपका कोई भी डाउट होता है कुछ भी आप मुझे मेल कर सकते हो वहां पर कुछ भी आपको पूछना है देन सेकेंड थिंग है कि जो सर ने आपको उदित सर ने आपको एक नंबर बताया होगा आप वहां पे कॉल uh, करके आपको अगर मुझसे बात करनी है तो आप बोल सकते हो कि हमें सुमन मैम से बात करा दीजिए तो आपकी बात हो जाएगी राइट तो ये चीजें हैं टेलीग्राम पर भी आई थिंक सर आपको बता चुके हैं तो आप वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं यस yes. और आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कॉल करके, करके, कर करके मुझसे ऑलरेडी ले चुकी हूँ उनके आप रिकॉर्डिंग कवर कर लीजिएगा एक इंडिविजुअल आपको नोटबुक बनाना पड़ेगा एक आपको नोटबुक बनाना है वो कैबलरी का एक ग्रामर का क्योंकि आपको नोट बनाने हैं अदरवाइज आप जब रिविजन कर रहे हो तो कितने पीडीएफ में कहा क्या चेक करोगे सो पीडीएफ में आप अपना प्रैक्टिस रखिए बट बेसिक्स के आपको नोट्स बनाने होंगे इंग्लिश के तो स्पेशली वीआरसी के आपको बनाने होंगे एक आपका अवेलेबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्पिटेशन के बेसिक्स का नोटबुक होना चाहिए एक आपका वोकैब्लरी का जो सबसे बड़ा वाला नोटबुक हो वो आप वोकैब्लरी के लिए रखें और एक ग्रामर के लिए रखें राइट right? क्योंकि ग्रामर आपको जब आप प्रिपेयर करेंगे और वोबलरी का वोकैबलरी का तो कैट में भी, रहना है, में में भी रहना है तो वो आपको करना पड़ेगा मैम ये बात आपने सच कही कि हमें कुछ नहीं आता अच्छा ऐसा नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको कुछ नहीं आता बट क्योंकि आप बेसिकली अभी इनिशियली आपने स्टार्ट किया है अपना प्रिपरेशन तो मैं यही सोच के आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ आपको कुछ नहीं आता राइट तो ऐसा करके बिकॉज कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपका जो प्रिपरेशन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं वैकैबलरी के सेशन आपके मंडे टू फ्राइडे आपको इट मीन की वीक में फाइव सेशन जो है वो विकबलरी के मिलेंगे बट वो इनिशियली आपको यूट्यूब पे मिलेंगे इंग्लिश विद सुमन पे जाके चेक कर सकते हो या फिर आप को एम पाठशाला के टेलीग्राम पे आप जाके चेक कर सकते हैं ठीक है वहां पे आपको मिल जाएगा सेकेंड थिंग ये है कि रीडिंग तो रीडिंग के लिए जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा यानी कि इस सैटरडे को मेरा सेशन होगा आपका सेवन पी पे उसमें मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बताऊंगी की हाउ टू रीड आपको रीडिंग करना कैसे है क्या है तो वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ राइट right? तो ये सब चीजें हैं जो भी आपको काइंड kind ऑफ of एक प्लान बताया है लाइव सेशन होंगे डेफिनेटली एंड uh, जो भी आपको एक प्लान बताया है मैंने वो उसको आपको फॉलो करना है एंड या इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हो तो यस yes, अभी कंप्लीटली लाइक like इतना ही था हमारा इन वी आर सी किसे कुछ डाउट है तो आस्क yes, बाकी अभी उदित सर आपको बता देंगे आगे का क्या है ओके चलिए चलिए सो so, अभी के लिए इतना ही था एंड uh, आपको उदित सर बता ही चुके हैं आप एमबीए पार्ट के टेलीग्राम पे और जो आपके 24 का जो टेलीग्राम होगा वो भी आई थिंक आपको सर बता चुके हैं तो बस अभी के लिए इतना ही है एंड अब जो है आपका सेशन कल uh, कल नहीं परसों होगा 7 पीएम राइट तो आपके सेशन जो है वो 7 टू 9 ही रहने वाले हैं ओके ठीक है, okay. है. मैम आपने जो क्लासेस के बारे में वो आपको आपको एम बी पाठशाला के टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप एमबी पाठशाला टेलीग्राम पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आप वो चेक कर लें आपके सेवन टू नाइन कल से जो है आपके सेवन टू नाइन सेशन होंगे एंड मेरे सेशन जो है वो वेडनेसडे एंड सैटरडे में होंगे कल होगा कल सेशन होगा सेवन पीएम राइट जो आज था उसी टाइम पे होगा हाँ जी कल सागर सर का रहेगा ठीक है तो कल जो भी होगा आप एमबी पार्शा टेलीग्राम चेक कर लेंगे और किसी का कुछ डाउट वर्ड पर मेडिजी डेफिनेटली आपको कर लेना है वो कैबलरी के लिए इनफ है बट स्टिल और भी वो कैबलरी आपको करना पड़ेगा बिकॉज वी नीड एटलीस्ट थ्री थाउजेंड वर्ड्स फॉर कैट एग्जाम चलिए सो अभी के लिए बस यही था एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो तीनों एजुकेटर्स के आपको मेल आई डी आई थिंक बता दिए गए हैं तो आप वहां पे मेल करके आप अपने डाउट पूछ सकते हो या फिर आप एम बी पाठशाला के टेलीग्राम पे जो भी मैसेज है उसके नीचे आप अपना डाउट पिन कर सकते हैं तो बता देंगे ओके okay? सो so, बस यही है यही करना है आपको ओके सो ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए एंड सारी चीजें आपको यहां पे अवेलेबल होंगी ही बट एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगा या फिर जो भी आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे या फिर जो आपको बुक्स भी मिलने वाले हैं वो आपको बैच के साथ मिलने वाले हैं इंडिविजुअल एजुकेटर के कोर्स के साथ नहीं मिलेंगे वो सब चीजें आपको अगर आपने कंप्लीट बैच लिया है तो वही मिलने वाली है ओके okay? So yes, all the very best and bye bye guys. Take care. Good night.